इच्छा मत श्री गौर सुंदर भगवान गया भूमि देखिते हैल इच्छा तान। शास्त्र विधि मत श्रद्धा कर्मादि करिया यात्रा कर चली लाने कसी से लिया। तो आज चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया की यात्रा की। सर्वदेश ग्राम करी पुण्य तीर्थ माए त्रिचरण है लगाया देखिते विजय धर्म कथा वाक्य वाक्य परिहासरासे मंदारे आइला प्रभु कथुक दिवसे देखिया मंदार मधुसूदन तथा प्रमिले न सकल पर्वत स्वलीला मत कथोपथ आसिते आसिते आर दीन ज्वर प्रकाशिले न देहेते प्राकृत लोकेर प्राय वैकुंठ ईश्वर लोक शिक्षा देखाईते धरिले नजर। सब दुष्ट जन निरंतर वैष्णव की निंदा करते थे, उसे भी वे सुनते थे। अब आपके मन में आपको प्रकाशित करने की इच्छा हुई, परंतु सोचते हैं कि पहले गया हुआ हूँ। श्री गौर सुंदर भगवान इच्छामय हैं, अब उनके श्री गया धाम दर्शन करने की इच्छा हुई। शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म आदि करके बहुत से शिष्यों को साथ लेकर शुभ यात्रा करने निकले। माता जी की आज्ञा लेकर मन में महाहर्षित होते हुए श्री गया दर्शन के लिए चल दिए। मार्ग के सब नगर व गांवों को पुण्य तीर्थ में करते हुए आप श्री चरण दर्शन करने के लिए गया धाम में पधारे। धर्म कथा आलाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए एवं परस्पर के परिहास रस में मग्न होते हुए प्रभु कुछ दिन में श्री मंदार पर्वत पर आए। तो नवद्वीप से गया के बीच में मंदार पर्वत आता है। आपने गए हैं गया किस कोई? तो नवद्वीप से जब चलेंगे आप गया तीर्थ की यात्रा, तो उसी रास्ते में मंदार पर्वत। मंदार पर्वत का नाम सुना है आप लोगों ने? आपने सुना है श्रृंगलवर मंदार पर्वत? हाँ, समुद्र मंथन में जिस पर्वत को इस्तेमाल किया गया था उस पर्वत का नाम है मंदार पर्वत, है ना? उस आज भी वो पर्वत है वहाँ। मंदार पर्वत आज भी है। रामभद्र प्रभु एक दिन एक बार गए थे वहाँ, उन्होंने वहाँ से फोटो भेजा था। और भी मंदार पर्वत वहीं पर, जहाँ तक मैं मुझे याद है कि वहीं पर हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या किया। तो वो उस पर्वत पर
एक भगवान कृष्ण के मूर्ति भी है, श्री मधुसूदन भगवान की मूर्ति, आज भी वहाँ पर दर्शन होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं गए थे, गया अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर गए थे, है ना, 5-6 स्टूडेंट साथ में थे। तो रास्ते में जाते समय हास्य परिहास से, हंसी मजाक, उत्तर प्रत्युत्तर, है ना, प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे, फिर उसको प्रत्युत्तर करते रास्ते में। मंदार पर्वत पर श्री मधुसूदन के दर्शन करके लीला में आनंद पूर्वक सब पर्वत के ऊपर भ्रमण करने लगे। उसके बाद फिर मंदार पर्वत से आगे निकले तो एक गांव में पहुँचे। उस गांव में पहुँचते ही बता रहे कि भगवान श्री चैतन्य अपने शरीर में ज्वर प्रकाशित कर रहे हैं। ज्वर प्रकाशित कर रहे हैं मतलब बुखार आ गया, भगवान को बुखार हो गया। तो बुखार हो गया नहीं कहते, कहते बुखार प्रकाशित किया, है ना, जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, यानी कि लाइट जल गया और लाइट जलाते हैं, दोनों में अंतर है क्या, क्या अंतर है? स्वतः जल गया, खुद से प्रकाश हुआ, हमने डेलिबरेटली किया। हाँ, तो भगवान के केस में नहीं बोल सकते कि उनको बुखार लग गया, क्यों, बुखार उनके कंट्रोल में है सब। तो उनके केस में कहा जाता है कि उनको बुखार प्रकाशित हुआ, मतलब जब उनकी इच्छा होती है तब बुखार को आज्ञा देते हैं, ठीक है अब तुम मेरे को पकड़ लो, तो भगवान के केस में हमारे ऊपर हम आज्ञा नहीं देते, हम तो बचने के प्रयास करते हैं, क्वारंटाइन में जाके जैसे तैसे अपने को लॉकडाउन करके उसके बावजूद पकड़ लेते हैं, है कि नहीं। तो जीव और भगवान में यही अंतर है, भगवान भी लीला करते हैं इस संसार में और जीव भी लीला करते हैं, लेकिन जीव पे दुख थोपा जाता है और भगवान अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं और जब चाहेंगे तब नष्ट कर सकते हैं दुख को, लेकिन हम लोग जब चाहेंगे तब नष्ट नहीं कर सकते, है ना। ये भगवान में और जीव में अंतर है। भगवान चाहेंगे तो एक सेकंड में दुख खत्म कर सकते हैं, जैसे द्रौपदी का दुख खत्म कर दिया, है कि नहीं। द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था दुशासन भरी सभा में, तो दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हरे, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए, केवल किसी को दिखा नहीं, भगवान ने क्या किया, भगवान ने बहुत साड़ी सप्लाई कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल दिया होगा मुझे लगता है, है? अब साड़ी इतना खींचे जा रहा है, दुशासन थक के बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ कभी वो, भगवान सप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है भाई खींचो तुम, खींच कितना खींचता है मैं भी देखता हूँ। तो ये भगवान, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में क्या है, हम लोग कोर्ट में अपील करते हैं, निर्भया का
को निर्णय मिले इसके लिए कोर्ट में अपील करते हैं। हम तो साड़ी नहीं सप्लाई कर सकते, ये भगवान में और हमें अंतर है। कभी जीव को अपने को भगवान भी कहता भी है, और कई बार लोग भगवान कहला के पूजा भी करा लेते हैं अपना, लेकिन भगवान जैसा कुछ काम ही तो करना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो भगवान की पावर है, वो चाहेंगे तो दे सकते हैं, है उधार लेके कभी कभी चाहे तो कमाल दिखा सकते हैं भगवान से, है कि नहीं। लेकिन उधार उधार ही होता है, कई बार उधार देते हैं भगवान, है ना। इसलिए कई बार भक्त मांग लेते हैं उधार, है ना। एक बार नारद जी उधार मांगे थे भगवान से, जानते हैं नारद जी भगवान से उधार मांगे थे, लीला जानते हैं ना। एक बार नारद जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। तो एक दिन वो बैठकर तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या किया, है ना। और देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा उनको, है ना, उनके तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा से, चूँकि हरि भजन कर रहे थे इसलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कामदेव के ऊपर मुस्कुराने लगे, भाई तुम्हारा कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। तो कामदेव हार कर चला गया। तो इस बात का उनको बहुत, इस बात का थोड़ा अहंकार हो गया नारद जी को, तो बहुत अहंकार हो गया, देखो कितना, मतलब कामदेव तो हार गया मेरे से, है ना। तो गए अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, है ना। उनको ब्रह्मा जी भी स्वागत किए, बेटा आ जाओ, क्या बात है, ठीक है सब, सब ठीक, क्या है, सब बहुत बहुत ठीक है, सब बहुत ठीक है, मतलब क्या हुआ, अरे क्या बताएं, आप तो हार ही गए थे ना कामदेव से, कामदेव तो आपको हरा दिया था पिताजी, हैं। तो ब्रह्मा जी थोड़ा शर्मा गए, है ना। लेकिन देखिए, मैं कामदेव से प्रभावित नहीं हुआ मैं, है ना। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले, बेशरम हो गया है ये। तो फिर वहाँ से गए शिव जी के पास, बोले शिव जी, आप शिव जी बोले, स्वागत किया, और नारद क्या बात है, बोले बात क्या है, याद है आपको, आप तपस्या कर रहे थे, कामदेव जो है आप की तपस्या भंग कर दिया था। हाँ नारद, क्या करें, भगवान की सब माया है, सब उसी के बस में तो हैं, सब हैं, हम नहीं हैं, हम तो उससे ऊपर जा चुके हैं, अब भगवान विष्णु की कृपा से हम बहुत एडवांस हो चुके हैं अब। अच्छा क्या बात हुआ, ऐसे ऐसे हो गया, आप जहाँ गए थे वहीं पे मैं बैठा था, तो मेरे को कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा भगवान की कृपा से। तो शिव जी बोले, नारद, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि तुम इतने एडवांस डिवोटी हो गए हो, लेकिन ये बात ना भगवान विष्णु को मत बताना। ब्रह्मा जी को बता दिया, ठीक है, मेरे को भी बता दिया, ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु को मत बताना। तो नारद जी बोले, ऐसे थोड़े है, इतना बड़ा अचीवमेंट है, ऐसे थोड़े छोड़ दूंगा, आपको ईर्ष्या हो रही है मेरे से, इसलिए आप नहीं चाहते कि मेरा मेरी बड़ाई पहुँचे, है ना। नारद जी वहाँ से चले सीधे भगवान विष्णु के पास गए, है ना। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप जानते हैं आपकी कृपा से क्या हो गया, कमाल हो गया। बोले क्या हो गया, अरे पिताजी जो नहीं कर पाए, शिव जी जो नहीं कर पाए, वो मैंने कर लिया। भगवान ने देखा इसको अहंकार हो गया है, है ना। कई बार हो जाता है ऐसा अहंकार, जीव का ये स्वभाव, भगवान को अभी अहंकार नहीं होता है, लेकिन जीव के अंदर ये टेंडेंसी है।
इसलिए जीव और भगवान में यही अंतर है। जीव अगर हीरो बन भी रहा है तो तभी तक बन सकता है जब तक भगवान पीछे से सपोर्ट किए हैं, है ना। तो नारद जी को भगवान बोले, ठीक है नारद, बहुत अच्छा, आपके अचीवमेंट के लिए आपको बधाई हो। फिर नारद जी वहाँ से आगे निकले, है ना। नारद जी आगे निकले तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उनको एक नया शहर दिखा, एक नया शहर दिखा जो कि आज तक कभी नहीं देखा। ये तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, नहीं, मैं सारी सृष्टि का भ्रमण करता हूँ इतने सालों से, इतने जुगों से, सब कोई ऐसा जगह नहीं है जो मैंने देखा नहीं। ये नया कहाँ से आ गया बीच में, बड़ा सुंदर दिख रहा है बाहर से ही, मेरी आँखों से बच कैसे गया। चलते हैं थोड़ा देखते हैं यहाँ क्या है। तो अंदर गए तो इतना सुंदर राज्य था वो, मतलब नारद जी का मन आकर्षित हो गया पूरा, सब भूल गए। वहाँ पे जो राजा थे उनके राजभवन में पहुँचे तो राजा ने बड़ा स्वागत किया और आसन पर बिठाया, सम्मान किया, हे महर्षि मेरा हो भाग्य, सौभाग्य है कि आप आए, आप यहाँ आए, हमारा घर पवित्र हो गया आपके आने से। आज बोले घर क्या पवित्र हो गया, सब जगह पवित्र कर रहा हूँ आजकल मैं। अच्छा क्या हुआ, अरे मत पूछो, ब्रह्मा जी जो नहीं कर पाए, शिव जी नहीं कर पाए, वो काम कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा महर्षि आपसे एक प्रार्थना थी मेरी, क्या, मेरी पुत्री जो है राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई, मैं चाहता हूँ आप उसका हाथ देखिए और उसके योग्य वर बताइए, है ना। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो राजा ने अपनी पुत्री को लेकर आया, राजकुमारी को, राजकुमारी को जब लेकर आया, राजकुमारी को देखते ही नारद जी का हालत ख़राब हो गया। नारद जी जो है ओह, अब मन में तो सोच रहे हैं इतनी सुंदर राजकुमारी है, इसका विवाह तो मेरे से ही होना चाहिए। बैठे हाथ देखने लगे, हाथ देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ देखे तो आश्चर्यचकित हो गए। हाथ में क्या लिखा था, हाथ में लिखा था कि इस पुत्री को भगवान विष्णु जैसा वर मिलेगा, ऐसे हाथ में लिखा था, है ना। अब ये तो अपना व्यवस्था करना चाहते थे तो क्या करें, और लिखा है हाथ में कि विष्णु जैसा वर मिलेगा, है ना, और हाथ में लिखा है और अब इनका मन उस पर आ गया है। तो बोले, राजा को बोले कि आपकी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, इसको विष्णु जैसा वर मिलेगा, ऐसा लिखा है हाथ में, झूठ तो नहीं बोल सकते ना। ऐसा बोल के और सोचे अब मेरा कैसे होगा, लाइन लगेगा। तो वहाँ से सीधे भागे भगवान विष्णु के पास गए ना, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु, नारद क्या हुआ, अभी तो गए थे फिर आ गए। बोला प्रभु वो छोड़िए, पहले आप भी बताइए कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं। बोले नारद तुम इतने महान भक्त हो, तुमने कामदेव को जीत लिया है, इतने महान भक्त हो। बोले हाँ प्रभु आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अच्छा प्रभु कभी ऐसा समय हुआ जब मैं आपको भूला। बोले नहीं नारद तुम इतना महान भक्त हो। अच्छा प्रभु ये बताइए आप अगर मेरे से खुश हैं तो आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा कभी। नहीं नारद तुम कभी मांगते नहीं हो, तुम तो बिल्कुल है ना हेतु की भक्ति करते हो, आज तक कुछ नहीं मांगा तुमने मुझसे, केवल मेरी सेवा मांगते हो। हाँ प्रभु कभी मांगा नहीं ना प्रभु। नहीं अच्छा प्रभु ना आपसे कुछ मांगूंगा तो आप देंगे क्या। बोले हाँ नारद। बोले बस प्रभु बस एक दिन के लिए। तो क्या चाहिए प्रभु, वो आपका जो ये सुंदर रूप है ना, एक दिन के लिए उधार दे दीजिए।
ऐसा की क्या बात हो गया, क्या हुआ? नहीं नहीं बस प्रभु, प्रभु प्रश्न मत पूछिए अब। आज आज तक आपसे मैंने कुछ मांगा, एक ही चीज़ मांगा हूँ, अब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? भगवान तो सब जानते ही हैं। बोले अच्छा ना, ठीक है तुमको देता हूँ अपना रूप। उधार मांग रहे थे ना, फंस गए बेचारे। तो नारद जी खुश है, चलो भगवान का रूप तो मिल गया। उधर राजा का स्वयंवर लगा था, राजा ने स्वयंवर बुलाया था अपनी पुत्री के लिए। तो सारे देश विदेश के राजा लोग आए थे और नारद जी भी जाके उसी स्वयंवर में बैठ गए। अब बड़े खुश हैं कि आज अब वरमाला तो मेरे गले में ही पड़ेगी, चाहे कुछ। ये सब तो पागल है, ये सब उल्लू सब है, मेरे सामने क्या है ये सब? भगवान विष्णु का रूप लेकर आया हूँ। बैठे थे सब, उनको मुंह की तरफ देख देख के हंस रहे थे। तुमको समझ में नहीं आया कि तुम लोग हंस रहे हो? अभी पता चलेगा, वरमाला जाने दो, फिर देखना तुम्हारी सारी हंसी निकल जाएगी। सब देख के हंस रहे थे क्योंकि क्योंकि मुंह बंदर का दे दिया था भगवान ने। भगवान ने मुंह बंदर का दे दिया था, इनको अपना चेहरा व्यक्ति थोड़े देखता है। आपकी आंख जो है दूसरे का चेहरा देख सकती है, लेकिन वो आंख आपका अपना चेहरा नहीं देख सकती। आंख भगवान ने ऐसे बनाया है कि दूसरे को देख सकती है आंख, लेकिन अपने को नहीं देख सकती। आपकी आंख में अगर कुछ पड़ जाए तो उसको देखने के लिए दूसरे की आंख चाहिए, है कि नहीं? तो नारद जी, तो राजकुमारी जब आई तो एकदम नारद जी अपना एकदम रेडी हैं, हाँ चलो ठीक है डाल दो डाल दो वरमाला डाल दो हैं। तो नज़दीक आई, किसी को डाली नहीं, उससे पहले जितने लोग थे किसी को नहीं डाली है, तो मेरे को ही डालना ही है, तो पक्का ही है। तो डाल दी, आगे बगल में आई तो एकदम हाँ डालो लेकिन नारद जी के देख देखते तो आगे बढ़ गई। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ जा रही है? तभी देखे नारद जी क्या देखते हैं कि उस समय भगवान विष्णु भी आगे बैठे भगवान विष्णु आगे बैठे हैं, नारद जी की तरफ देख रहे हैं, है ना, मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या हो गया, आप कैसे आ गए यहाँ, आपको किसने बुला दिया? और राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु उसको लेके गड़े रूप में बिठा के चले गए। अब नारद को बहुत गुस्सा है, मेरे को अपना रूप दिया। वहाँ से बड़े बड़े गुस्से में तमतमाए हुए निकले, है ना। तो बाहर जो थे वो दो शिव जी के गण थे, शिव जी के गण उनको बार बार देख के हंस रहे थे, चेहरे को देख देख के। तो गोल गुस्सा, क्यों हंस रहे हो? बोले नारद जी अपना मुंह तो देख लिया लेते स्वयं पर बैठने से पहले एक बार आईना चेहरा वगैरह देख लिए रहते तो वही तालाब था, तालाब पानी में जाके जैसे झाके तो देखे कि बंदर का तो गुस्सा आ गया। दोनों को आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए, मतलब कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ, है ना। फिर वहाँ से तुम आए गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान बैठे थे और बगल में राजकुमारी भी बैठी थी। बहुत गुस्सा आया, मैंने बोले बहुत गाली दिए भगवान को, बहुत गाली, तुम ऐसे हो, तुम हमेशा ना, मैंने तुमको अपना सब कुछ दिया, एक चीज़ मांगा था वो भी तुमने नहीं दिया, तुम बहुत क्रूर हो, कौन कहता है तुम दयालु हो, है ना, बहुरूपी हो तुम, धोखेबाज हो, कपटी हो, है ना। भगवान मुस्कुराए, हाँ हाँ और बोलो ना, सब श्राप, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से आज मैं तड़प रहा हूँ,
हैं, उस राजकुमारी के नहीं मिलने के कारण मैं तड़प रहा हूँ उसके वियोग से, उसी तरह से तुम तड़पोगे। और ये जो बंदर का चेहरा दिया है ना, ये बंदर ही तुम्हारा हेल्प करेगा, मिलन कराएगा, है ना, बंदरों से ही हेल्प मिलेगा, समझ लो। श्राप देने के बाद अचानक उनको होश आया तो देखे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो रोने लगे, ये क्या हो गया मुझसे, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। तो भगवान से क्षमा मांगने लगे, भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरी इच्छा से हुआ है सब, मैं ही ऐसा चाहता था, त्रेता युग में मैं प्रकट होऊंगा तुम्हारा श्राप स्वीकार करके। तो ऐसा जीव अगर कुछ कमाल दिखाता भी है, मैं ही बता रहा था कि, तो लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्तों को वो चीज़ नहीं देते कि उसमें फंस जाए। अगर कोई बहुत प्रिय होगा तो गलत चीज़ मांगता है तो भगवान उल्टा कर देते हैं, है ना, उसे नारद जी को नहीं दिए रूप, है ना। तो नारद जी के लिए अच्छा किए या बुरा, अच्छा किए ना, उनको अभी कितने स्वतंत्र होकर घूमते रहते हैं, विवाह हो जाएगा तो घूमेंगे ऐसे, हैं, नहीं घूम पाएंगे, जब वीणा लेके जहाँ मन वहाँ घूमते रहते हैं, विवाह हो जाएगा तो नहीं घूम सकते। आप देखिए ब्रह्मा जी घूमते हैं ऐसे, शिव जी ऐसे नहीं घूम सकते, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान का ये वरदान था, नारद जी को इतना बड़ा पद मिला महर्षि का। तो उसी तरह से भगवान और जीव में ये अंतर है, जीव अगर कुछ कमाल दिखाता भी है तो तभी तक दिखा सकता है जब तक भगवान का उसको सपोर्ट है। कई बार इस संसार में कुछ साधु संत जोगी कुछ चमत्कार दिखाते हैं, है ना, छोटे मोटे, ज़्यादा तो बड़े नहीं दिखा सकते, उसी में छोटा मोटा ही दिखाते, उसी में भगवान बनने का शौक रहता है ना। लेकिन एक दिन एक्सपोज कर देते हैं भगवान, माया उनको एक्सपोज कर देती है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में सबको फंसना है, लेकिन नहीं, मृत्यु आती है सबको, भगवान को मृत्यु नहीं आती, अप्रकट होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बुखार आ गया, क्या आया, बुखार आया, वो चाहते थे कि बुखार आए। तो भगवान अगर कोई लीला करते हैं इस तरह का बुखार आता है तो उससे कुछ संदेश शिक्षा देना चाहते हैं, है ना। जैसे कि कई बार जैसे छोटा बच्चा होता है उसको टीचर बोलता है लिखो क ख ग घ, तो बच्चा नहीं लिख पाता, कई बार उसका हाथ लेकर हाथ ऐसे पकड़ के लिखवाता है क, ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर को भी नहीं आता है क ख, इसलिए वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, है ना, टीचर को पता है वो क्यों लिख रहा है क ख ग, बोल सकते हैं ना कि टीचर क्यों क ख ग लिख रहा है, सर आप इतने साल बूढ़े हो गए अभी भी क ख ग लिख रहे हैं, तो वो क ख ग लिख रहा है किस लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए। उसी तरह से कई बार भगवान ऐसी लीला करते हैं, जीव के समान लीला करते हैं ताकि जीव को सिखाया जा सके कैसे आइडियल लाइफ। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बुखार प्रकाशित करते हैं, अब इतना बुखार तेज हो जाता है और जो उनके साथ जो स्टूडेंट गए हैं वो चाहते हैं कि इनको ठीक कराया जाए, तो नाना प्रकार के वैद्य बुलाते हैं, दवाई कराते हैं, बुखार कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। विप्रगढ़ बेढ़िया छे श्री चरण स्थान, श्री चरण माला जेन देउल प्रमाण, गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार। कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ, एक पेज गायब है।
এই মত কত পথ আসিতে আসিতে আর দিন জ্বর প্রকাশিল দেহেতে, জ্বর প্রকাশিত কি আপনি শরীর মে। প্রাকৃত লোকেরা প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, লোক শিক্ষা দেখাইতে ধারিলে না জ্বর। আদি প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর জ্বর কেউ প্রকাশিত কিয়া উসকা কারণ বতা রে কি লোগোঁ কো কুছ শিক্ষা দেনা চাহতে হ্যাঁ, কুছ শিখানা চাহতে হ্যাঁ। ভগবান আপনে শরীর মে জ্বর প্রকাশিত করকে ক্যা করনা চাহতে হ্যাঁ, কুছ টিচিংস দেনা চাহতে হ্যাঁ, কুছ শিক্ষা দেনা চাহতে হ্যাঁ। লোক শিক্ষা দেখাইতে, তো ইসলিয়ে এক সাধারণ প্রাকৃত মটেরিয়ালিস্টিক ব্যক্তি কে তরহ জ্বর প্রকাশিত। ভগবান কো ফিভার নেই হো সকতা, ভগবান কো ফিভার নেই হো সকতা, লেকিন কভি কভি জান বুঝ কর ফিভার প্রকাশিত করতে কুছ টিচিংস দেনে কে লিয়ে। সে পহলে ভি একবার ভগবান কো হেডেক হুয়া থা, জানতে ভগবান কো একবার হেডেক হো গিয়া, হেডেক মতলব সির মে দর্দ है ना, सिर में दर्द हो गया। तो नारद जी सब लोग द्वारका में थे, सिर में दर्द हो गया, सब लोग चिंतित थे क्या कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, सारी दवाई फेल। भगवान को जब जोर लगता है या हेडेक होता है तो दवाई काम नहीं करती है, जैसे अभी कोरोना के केस में है ना, कोरोना के केस में है ना। आप उसका दवाई मैं बता रहा हूँ, आज चैतन्य महाप्रभु दवाई बताएंगे कोरोना का मेडिसिन। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका क्या दवाई है, जिसका कोई दवाई नहीं मिल रहा उसका दवाई क्या है, आज की लीला में पता चलेगा है ना। तो उस समय इतनी दवाई कर रहे थे, कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी। तो नारद जी आए, बोले प्रभु इसका कोई उपाय नहीं है क्या। बोले नारद एक ही उपाय है, दवाई काम नहीं करती, जब मेरे को हेडेक होता है तो दवाई काम नहीं करता तो कैसे ठीक होगा प्रभु। बोले देखो अगर कोई मेरा शुद्ध भक्त अपने चरण की धूली देगा, मेरे माथे पे ला के रखेगा तो मेरा बुखार जाएगा, हेडेक जाएगा। प्रभु क्या बात कर रहे हैं, नारद तुम ही दे दो ना। प्रभु नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, आप भगवान हैं, आपके चरण का धूली दूंगा तो नरक में जाऊंगा, आपके चरण अपने चरण का धूली आपके सिर पर रखूंगा, भगवान के सिर पे नरक जाना है क्या मेरे को। पर नारद यही एक उपाय है, कोई अगर भक्त देगा तभी ठीक होगा हेडेक, मेरा हेडेक ऐसे ही जाता है। तो पूरे द्वारका में हर जगह गए, 16,108 रानियों के पास गए, आप लोग थोड़ा दे दीजिए। नहीं नहीं हमने नरक नहीं जाना है ना। तो सारे ब्रह्मांड में घूम लिए, कोई धूल दिया नहीं है ना। उस समय तक ये लीला नहीं थी, पता नहीं था, इसलिए अभी इस्कॉन वाले दे देंगे कि उनको पता रहता है। क्लास में सुन लिए हैं, समझ गए भगवान लीला कर रहे हैं, दे देते हैं। लेकिन उससे फर्स्ट टाइम हो रहा था, ये कथा उससे पहले नहीं था, इसलिए किसी को सीक्रेट पता नहीं था है ना। तो नारद जी फिर गए वृंदावन ब्रज में, गोपियों के पास गए, गोपियाँ आ गई, क्या हुआ नारद जी हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं हैं। नारद जी बोले बहुत बहुत परेशान हैं श्याम सुंदर। क्या हुआ, मेरा हेडेक हो गया, उनको हेडेक हो गया, मानो उनके प्राण चले गए ऐसे सुन के, हैं बेहोश हो गई सब। फिर होश आया, फिर होश आया, नारद जी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कोई उपाय नहीं है, हमारे प्राण ले लीजिए लेकिन श्याम सुंदर को ठीक कर दीजिए। बोले प्राण नहीं धूल चाहिए। किसका धूल चाहिए, तुम लोगों का चरण धूली चाहिए, श्याम सुंदर के मस्तक पर रखना है तभी ठीक होंगे। तो सब लोग एक एक थाली एक एक झोला झोला भर भर के धूल दे दिया, देने लगी सब लोग, मेरा भी ले लीजिए एक झोला, मेरा भी ले लीजिए एक झोला। नारद जी बोले अरे तुमको पता नहीं है कि तुम लोग नरक में जाओगे, तुम लोग नरक में जाओगे,
सोच लो, बोले नरक में एक बार नहीं 50 बार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को हेडक दूर कर दीजिए आप, हम लोग नरक में जाएंगे, दुख झेलेंगे, लेकिन भगवान को दुखी नहीं देखना चाहते हम। तो नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो धूल लेकर आए, सब कहाँ लेकर आए, नारद जी लेकर आए, तो थोड़ा सा रखे तो भगवान ठीक हो गए, बोले अब ठीक है ना, भक्तों के चरण धूलि से मेरा हेडक जाता है। तो उसी तरह से, उसी प्रकार की कुछ लीला यहाँ पे कौन कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उसी प्रकार की लीला है, बहुत गुड़ रहस्य है। आप जानते हैं, किसी ने पूछा, प्रश्न पूछा, भगवान जो है मिट्टी क्यों खाते हैं, है ना, ब्रज में जब भगवान ने अवतार लिया तो क्या खाते थे, मिट्टी खाते थे, है ना। तो भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु आप मिट्टी क्यों खाते हैं, बोले मैं मिट्टी इसलिए खाता हूँ भगवान, ब्रज में मैं धूल में लौटता हूँ, मिट्टी खाता हूँ क्योंकि जो मिट्टी है ना, इसमें मेरे भक्तों के चरणों की धूल है ये, इसलिए मैं इसको खाता हूँ और इसी में लौटता हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों, भक्त लोग इस पे चलते हैं, उनके चरणों की ये धूल है, ये धूल, भक्तों के चरणों की धूल में भगवान भी आनंदपूर्वक लौटते हैं। ये भाषा प्रेम की भाषा है, क्या है, प्रेम की भाषा, इसको समझना कठिन है कि भगवान जो हैं, उन, हमने तो सुना है कि पूजा वूजा करवाते हैं, यहाँ उल्टा ही है, या तो लौट रहे हैं धूल में, ये कौन भगवान है आपके, तो बड़ा मुश्किल है विश्वास करना इस कौन के भगवान पे, है ना। इस कौन के भगवान जो हैं, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है, वो तो धूल उल में लौटते हैं थोड़ा, भक्तों के चरणों की धूल भी ले लेते हैं, जूता भी उठा लेते हैं, मुसलमानों को पता चले सिर काट देंगे आपका कि हमारे अल्लाह को इतना नीचे गिरा दिया ये लोग, है कि नहीं। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रेममय है, इसलिए हम लोग जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है अगर बता दिया जाए तो जीव समझ नहीं पाएगा उसको, है ना। तो भगवान का एक स्वरूप है जिसमें वो क्या करते हैं, वो प्रेम, इतना प्रेम बढ़ जाता है भगवान और भक्तों के बीच में कि भगवान कई बार उनको ज़्यादा आनंद आता है जब उनको कोई अपने से छोटा मानता है। क्या, कब, जब कोई उनको अपने से छोटा मानता है, है ना, तो ज़्यादा आनंद आता है उनको। भगवान कहते हैं कि वेदों की, जब वेद शास्त्र से जब ब्राह्मण लोग स्तुति करते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं, तो भगवान को आनंद आता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जब कोई उनकी स्तुति करता है, है ना। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जब ब्रज में जब भगवान गोपियों को जो है गोपियों के साथ नटखट लीला करते हैं, तो गोपियाँ उनको गाली देती हैं, क्या देती हैं, गाली देती हैं, हैं लंपट कहीं का, है ना, तुमको कोई और कोई काम नहीं है क्या, हैं परेशान करते रहते हो, हैं? तो वो गाली जो है वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा कि वो गाली जो है गोपियों की भगवान को वेद की स्तुतियों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो ये कोई सुन ले तो मुसलमान तो मार ही देंगे, मर्डर कर देंगे आपका। ये भगवान का एक स्वभाव अलग है, है ना, ये भी एक रूप है, एक अंडरस्टैंडिंग है, गॉड का अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान को समझना बहुत कठिन काम है, भगवान को समझना बहुत कठिन है, इसलिए वेद शास्त्र भी नहीं समझते, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते हैं भगवान को, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हालांकि वही जाकर भगवान को बुला के लाए, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो
कहते कि मेरा वो सौभाग्य कब आएगा कि मैं गोपियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करूँगा, वो मेरा सौभाग्य कब होगा कि मेरा ब्रज में जन्म होगा, मैं ब्रजवासी बनूँगा। सृष्टि पूरे ब्रह्मांड के पूरे स्वामी बन के उनको इतना आनंद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि मेरे को ब्रज में जन्म लेना है। तो ये भगवान कम प्रति कथई तुम इसे संप्रति को वा प्रतीति मयतु गोपति तनया कुंजे गोप वधुति पितम ब्रह्म। कि भगवान के बारे में उनके स्वभाव के बारे में अगर मैं बताऊं तो कौन विश्वास करेगा, ऐसे कहते हैं। कम प्रति कथई तुम इसे किसको जाकर सुनाऊं, क्या कह रहे किस कर जा कथई तुम इसे, ये बात किससे कहूं कम प्रति, कम प्रति मतलब किससे, कथई तुम कहूं क्या इसे, ये बात कौन सी बात, संप्रति को वा प्रतीति मैं तो, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर बोलूंगा तो प्रतीति मतलब विश्वास करेगा, मानेगा मानेगा ये बात, कोई नहीं मानेगा, इसलिए किससे बताऊं जाकर, क्या बताना भाई, क्या ऐसी बात है कि कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। यही बात कि गाली ज़्यादा अच्छा लगता है स्तुति से, किसकी गाली, शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, प्रेम में प्रेम व्यापार। तो इस प्रकार भगवान जो है नाना उसी को प्राप्त करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रेम को समझने के लिए और उसी प्रेम को समझाने के लिए भगवान आते हैं संसार में। दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत, उनकी इच्छा मात्र से ऐसे इशारा कर देंगे तो पूरी पृथ्वी पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, दुष्ट को मारने की क्या बात है। जैसे वो चींटी को मारने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, इसकी जरूरत है नहीं। तो इसीलिए अब देखिए प्रकट होते ऐसे ही मारते हैं ना, कैसे मारे हिरण्याक्ष को, कैसे मारे, एक झापड़ मारे ऐसे बस मर गया। मारने के लिए मैंने उनका काम मारना पीटना नहीं है, भगवान आते हैं क्या सिखाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, क्या प्रेम, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम देने के लिए आते हैं, तो देखिए उसी प्रेम की लीला को प्रकट कर रहे हैं भगवान यहाँ चैतन्य महाप्रभु। प्राकृत लोकेर प्राय वैकुंठ ईश्वर लोक सिखाई शिक्षा देखाई ते धरी लन ज्वर, ज्वर प्रकट पकड़ लिया है, कुछ शिक्षा देना चाहते, क्या शिक्षा दे रहे, मध्य पथे ज्वर प्रका सिले नईश्वर शिष्य गण हईलेन चिंतितयांतरे। मध्य पथे अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही थे, गया जा रहे थे रास्ते बीच में ही थे, तो ज्वर प्रकट लिया और जितने शिष्य थे सब चिंतित हो गए कि हमारे ठाकुर जी को ज्वर हो गया, हमारे गुरु जी को ज्वर हो गया, कैसे ठीक करें। पथे रही करी लेना बहु प्रतिकार तथापि न छाड़े ज्वर के न इच्छा था।
करी लेना बहु प्रतिकार, मतलब प्रतिकार मतलब प्रतिकार मतलब वैक्सीन मेडिसिन उपाय, बहुत उपाय लगा रहे हैं कैसे इसको काउंट्रैक्ट किया जाए। प्रतिकार मतलब काउंट्रैक्ट करना, किसको? ज्वर को। जैसे अभी कोरोना के लिए प्रयास कर रहे हैं, हैं कैसे किया जाए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा है। उसी तरह तथापि न छाड़े ज्वर, स्पिरिचुअल कोरोना, ट्रांसेंडल कोरोना हो गया था महाप्रभु को। तथापि न छाड़े ज्वर हे न इच्छा तार, इसलिए ट्रांसेंडल बोला क्योंकि अपनी इच्छा से ही हुआ है इसलिए ट्रांसेंडल हो गया, ट्रांसेंडल कोरोना महाप्रभु को ठीक नहीं हो रहा था। तथापि न छाड़े ज्वर, ज्वर छोड़ नहीं रहा था। इतने प्रयास करने के बाद, नाना प्रकार के प्रयास करने के बाद भी छोड़ नहीं रहा था। तबे प्रभु व्यवस्थिला औषध आपने, सर्व दुख खंडे विप्र पादुक पाने। कोरोना का इलाज आ गया, देखिए कोरोना का इलाज, ट्रांसेंडल कोरोना का। प्रभु तब बोले तुम लोग कोई दवाई काम नहीं कर रही है। हाँ प्रभु, कोई कुछ आप ही बताओ, मैं बताता हूँ ना इसकी दवाई, मैं बताऊँगा खुद। तबे प्रभु व्यवस्थिला औषध आपने, खुद ही अपनी दवाई बताए, खुद ही खुद दवाई बता रहे हैं। क्या दवाई है? कहते सर्व दुख खंडे विप्र पादुक जवने। देखो जितने दुख हैं इस संसार में वो सारे दुख नष्ट हो जाते हैं अगर कोई विप्र पादुक को पी ले। कि अगर किसी ब्राह्मण के या वैष्णव के चरणों का अगर जल मिल जाए, चरण को पखारने के बाद जल मिल जाए, उसको पान करने से ही मेरा ज्वर जाएगा, तो ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं सरकार कोरोना का मेडिसिन क्या श्रमगल गर्भ। निमाई औषधालय विप्रपादो दकेर महिमा बुझाई ते, पान करी लेन प्रभु अपने साक्षात। विप्रपादो दकेर महिमा, विप्र के चरण जल की क्या महिमा है ये संसार को समझाना चाहते हैं। कौन विप्र? आजकल के विप्र नहीं, ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण के वैष्णव जो उत्तम हैं, जो जो ब्रह्म व्रत का पालन करते हैं, वैसे ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ ये उपाय है, पान करी लेना प्रभु आपने साक्षाते। तो लोग गए ढूंढे ब्राह्मण का जल लेकर आए गांव से, ब्राह्मण पकड़े होंगे, उसका चरण धोए होंगे, लेके आए और प्रभु जो है उसको पान किए। और ब्राह्मणों के चरणों की जो महिमा है उसका, इस तरह से ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भगवान जा रहे हैं विष्णु चरण का दर्शन करने, लेकिन उससे पहले किसकी महिमा प्रकाशित कर रहे हैं? ब्राह्मण के चरण की प्रकाशित कर रहे हैं। और इसी के कारण उनको विष्णु चरण की महिमा प्रकट हुई उनके सामने। अगर हम विष्णु चरण, भगवान के चरण कमलों की महिमा को रियलाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले ये करना पड़ेगा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य इति कथिता हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु के
प्रति जिसकी ब्राह्मण के प्रति वैष्णव गुरु के प्रति जो श्रद्धा है अगर अटूट है तो उसी के हृदय में भगवान की महिमा प्रकट होती है। तो विप्र पादोदो के बहुत महत्वपूर्ण लीला है, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने, हालांकि ज़्यादा श्लोक का नहीं है, 4-5 श्लोक का ही प्यार का ही लीला है ये, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट लीला है ये। कोरोना का इलाज है ये, ट्रांसेंडेंटल कोरोना है। सरकार भी बना रही है वैक्सीन, लेकिन वो वैक्सीन एक अभी तक तो बना नहीं, लेकिन बन भी जाएगा तो एक बार आपको हो सकता है कोरोना से रक्षा कर दे, लेकिन दोबारा मृत्यु आएगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन ये जो दवाई है ये हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा, परमानेंट इलाज है ये। लेकिन उसके लिए एक अच्छा वैष्णव ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा। विप्र पादोदकेर महिमा बुझाए ते पान करिले न प्रभु अपने साक्षात। अपने भक्त ब्राह्मणों के जल चरण जल को लेकर स्वयं अब खुद ही पी लिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र पादोदके पान करियाईश्वर से छाड़े स्वस्थ हैला आर नाही जर। जैसे पिए चरण जल को उसी समय स्वस्थ हो गए, खत्म, कोरोना उड़ गया और जोर नहीं रहा। ईश्वरे जे करे विप्र पादोदक पान ए तार स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि ये भगवान का स्वभाव है। क्या है? सारे वेद और पुराण इसी बात की स्थापना करते हैं कि ठाकुर जी का ये स्वभाव है क्या, कि अपने भक्तों के चरणों के जल पीना, उसी में उनका आनंद हो जाता है। ये प्रेम व्यापार है। क्या है? प्रेम व्यापार। इसको समझना वही समझ पाएगा जो प्रेमी भक्त है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसह। बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है ये, सिंपल फिलॉसफी है गीता का। गीता का श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर जी कोट कर रहे हैं गीता का श्लोक। कहते हैं भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेता है, जो मेरी शरण लेता है और शरण लेकर जिस तरह से मेरी भजन करता है, मेरा भजन करता है, मतलब कोई अगर मेरी चरणामृत पीता है, चरण जल लेकर पीता है, तो मैं भी तामस तथैव, जो मुझे जिस तरह से मेरी भक्ति करता है मैं भी उसकी उसी तरह से भक्ति करता हूँ। तांस तथैव भजामी अहम। भजामी शब्द है, भजामी शब्द का क्या अर्थ हुआ? मैं भी उसका भजन करता हूँ, मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ। अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं भी उसकी भक्ति उसी तरह से करता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा करता हूँ। हम क्या भक्ति, भगवान जब भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति फेल हो जाती है उनके आगे हैं। और इस प्रकार से मैं आचरण प्रस्तुत करता हूँ, है ना। तो इसी सिद्धांत के आधार पे भगवान ये ताहान दास्य पद भावे निरंतर तहां वस्य दास्य
करे ना ईश्वर। भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ जो व्यक्ति मेरा सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। जो भक्त मेरा सेवक बनने की इच्छा करता है मैं भी उसका सेवक बनने की इच्छा करता हूँ, दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो सर्वेंट कहते बोलते हैं आप क्या बनाएंगे हमें, अगर भक्ति करूंगा तो क्या मिलेगा, आपको दास बनाएंगे हम, नौकर किसका, अच्छा नौकर बनाने के लिए आप लोग इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, लेकिन नौकर किसका बन रहे हैं भी तो देखिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड मास्टर। इस संसार में मालिक और नौकर में बहुत अंतर है, क्योंकि मालिक कभी नौकर के चरण का दल नहीं पीता है, पीता है यह अंतर है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, भगवान के जो सेवक होते हैं उनका अलग लेवल होता है, और उनके प्रति भगवान का जो प्रेम होता है और भगवान के प्रति उनका जो प्रेम होता है वो बड़ा दिव्य है। तो वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि भगवान भी अपने सेवकों का सेवक बनना चाहते हैं, ये समझना है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये शिक्षा दे रहे हैं। अतएव नाम तान सेवक वत्सल अपने हारिया बढ़ाए न भीत्य बल। इसी भगवान का एक गुण है क्या, कि जो उनकी भक्ति करना चाहता है भगवान उसका सेवक बनना चाहते हैं, उनकी उनको बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए। जो भगवान से लड़ना चाहता है उसको भगवान से झगड़ा कर, भगवान को भी बड़ा मजा आता है उसे झगड़ा करने में, पीटने में उसको, है ना। ये था माम प्रबोधयन्ते। तो पीटने वाले जो राक्षस हैं, राक्षस आते हैं कैसे शरण में आते हैं, झगड़ा करके, तो भगवान बोलते हैं उसको पीट के शरण देते हैं, चलो मैं भी तुम्हारी शरण में आऊँगा पीट के ही, तुम पीट के मेरी शरण में आ रहे हो, मेरी शरण में आके पीटना चाहते हो, हाँ हाँ पीटना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यह था माम प्रबोधयन्ते, तो मैं तो आपका कर्ज नहीं रखना चाहता, मैं इंटरेस्ट के साथ चुकाऊंगा कैसे चुकाएंगे आप एक थप्पड़ मारो सही लीजिए वैसे अब इंटरेस्ट के साथ लो सोचिए भगवान अब इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा ना, बढ़ा के जैसे देता उड़ जाता है ख़त्म और मेरा क्या दोष था, मैंने तेरा कर्ज चुकाया, मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम, वो बोल रहे मारे क्यों आपने भाई, तूने तेरा कर्ज थोड़े रखूँगा मैं, चुकाऊँगा इंटरेस्ट के साथ, तो ज़्यादा ज़ोर से मारा और तू मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए भगवान का एक नाम है क्या, सेवक वत्सल, क्या सेवक वत्सल, भक्त वत्सल, यही भक्त वत्सलता का गुण है, हैं भक्त वत्सल, कि आपने हरिया बढ़ाए न भृत्य बल, खुद हार जाते हैं, खुद हार कर अपने सेवकों के बल को, प्रतिष्ठा को, मान को बढ़ाते हैं, खुद हार जाएंगे। एग्जाम्पल दीजिए कहाँ भगवान हार के अपने सेवक का मान बढ़ाए, भीष्म पितामह, है ना, अपने वचन को तोड़ दिए उनके वचन की रक्षा के लिए, है कि नहीं, अपने वचन को तोड़ दिए, और आप जानते भगवान का एक नाम है रणछोड़ राय, जो रणछोड़ के भाग गए थे, हैं क्यों भागे थे जानते हैं जरासंध के कारण, जरासंध जो था उसको 17 बार हराया भगवान ने, 17 बार, एक दो बार नहीं, 17 बार, हर बार पीटते थे उसको, और
बलराम जी इसको मारने मारने वाले ही रहते थे कि भगवान उनको रोक देते कि नहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो। मुझे लगता है तभी से बिहार के लोग ऐसे ढीठ होते हैं, है? छोड़ते नहीं हैं आपको, एक बार पीछे पड़ जाएंगे तो। अजय जयरसन छोड़ता नहीं था, है? तो भगवान बलराम जी बोलते क्यों इसको मार देते हैं ना, बोले नहीं नहीं बहुत काम का आदमी है। हम लोग को जाना पूरी पृथ्वी पर इतने असुर फैले हुए हैं तो उनको जा जा कर मारना पड़ेगा ना, तो ये अच्छा काम कर रहा है, जाता है इकट्ठा करके लाता है, हम मथुरा से बाहर निकल के यहीं भी मार देते हैं, फिर अंदर अपने जाके साल भर आराम से रहते हैं, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा ना ढूंढने के लिए, तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये, इसको इसको छोड़ देते हैं। उसकी पूरी सेना को मार देते थे और उसको छोड़ देते थे, फिर वो जाता था एक साल और कई लाखों संख्या में दुष्टों को लेके आता था, है ना, और भगवान फिर मार देते थे, इसलिए 17 बार मारे। तो 17वीं बार जब छोड़ दिए उसको, तो वो गया अपने, जब वापस गया तो उसने अपने सारे असुर दोस्तों से मीटिंग किया, राक्षसों से, तो सारे दोस्त भी वैसे ही थे, उसी टाइप के थे ना, जो व्यक्ति जैसा स्वभाव रहता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं, है ना। तो बोला कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि संसार जो है वो माया है और यहाँ पे कोई सुख नहीं है, अब मैं ऐसा करता हूँ मैं जा रहा हूँ संन्यास ले लेता हूँ। जरासंद ऐसे बोला, मैं संन्यास ले लेता हूँ, अब मैं जाके सत्य की खोज में जा रहा हूँ। तो उसके जितने असुर साथी थे बोले कि नहीं महाराज क्या बात कर रहे हैं, है पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए सब। महाराज आप कायर की तरफ भाग रहे हैं, हैं डोंट गिव अप, है ना, संघर्ष ही जीवन है, है ना। आप देखिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं, 17 बार हारे हैं लेकिन समय आपके विपरीत था, हो सकता अगली बार समय आपके अनुकूल हो जाए। महाराज आप निराश क्यों होते हैं, निराश होना कायर का काम है, बीरो का काम नहीं है, बीरो का काम है 17 बार जाकर हार कर आना, 17 बार पीट कर आना। ये सब फिलॉसफी पिटवाने के लिए बनाया भगवान ने, ताकि बार बार पीटें, नहीं तो समर्पण कर देगा ना, फिलॉसफी होना चाहिए उसके लिए भी, नहीं तो समर्पण कर देगा भगवान के चरणों में, है कि नहीं। तो इसलिए तो बोला क्या करूं फिर, बोले महाराज एक उपाय है हमारे पास। बोले क्या उपाय, उसके असुर साथी थे ना वो सब सजेशन देते थे, ऐसे ऐसे आइडिया देते थे, बोले ऐसा करते हैं ना ये जो ब्राह्मण है ना आपके राज्य में उन सबको पकड़वा के बुलाइए और उनको बोलिए काल हमारे विपरीत चल रहा है, एक ऐसा मुहूर्त बताए जब हम अटैक करें तो हरा दें उसको, ऐसा मुहूर्त बताएं, है ना, क्योंकि काल के कारण समस्या है, है ना, काल विपरीत चल रहा है तो कौन सा काल है जिसमें घटे, ये एक तो ब्राह्मण ही बताएगा, और उनको बुला के बताइए कि अगर तू लोग नहीं बताएगा तो तू लोग ऐसे भी मार देंगे। तो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बोला कि देखो टाइम बताओ कब अटैक करना है ताकि कृष्ण को हराना है हमें, बस कौन सा टाइम है बताओ। अब ब्राह्मण क्या बताए, कृष्ण को कैसे हरा सकते हैं, हरा ही नहीं सकते। बोला ब्राह्मण बोले ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज, कोई काल नहीं नजर आ रहा है पत्री में, ज्योतिष में कोई ऐसा काल नहीं दिख रहा है महाराज। बोले काल नहीं दिख रहा है ना, तो अभी दिखा दूंगा तेरे को, पहले तेरे का काल मैं तुम सबका सिर काटूंगा, जरासंध बोला है ना, अगर तुम लोग काल नहीं मिला कल तक तो तेरा काल आ जाएगा। अब ब्राह्मण क्या करे बेचारे, अब रात भर मीटिंग किए क्या करे, कौन काल बताए कोई काल, तो एक आइडिया आया कि कोई काल बता दो यार। कोई भी काल बता दो, वैसे तो दिख नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों ने कोई ऐसे ही डेट ऐसे तुक्का दे दिया, जाए चलो यार मरना ही, अब क्या, भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, अब हमारा लाइफ आपके हाथ में है, बता दिया। आप समझे बात को, अब जब आक्रमण किया 18वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने,
तो भगवान के पास एक क्या था, धर्म समय धर्म संकट है, क्या है कि अगर अगर फिर से हरा देंगे इसको तो ये जाएगा और ब्राह्मणों को बोलेगा कि तुम लोगों ने झूठ, तुम लोग सच्चे ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुमको जीने का अधिकार नहीं है, काट देगा, है ना। तो इसीलिए भगवान जो है उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भागे रण छोड़कर। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। इसलिए शास्त्र में इसका वर्णन है, इसीलिए भग अपने खुद हार, इसलिए यही बात यहाँ बताया गया कि आपने हारिया बढ़ाया न भृत्य बल, खुद हार जाते हैं, खुद भाग गए रण छोड़। रण जब जरासंध अटैक किया तो भगवान क्या किए, मथुरा छोड़ के दोनों कृष्ण और बलराम दोनों भागे, दोनों भागे। तो बहुत गाली दिया, ए कायर तू क्या समझता था, तू हारेगा नहीं है कायर, बहु रुपया आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट करके आए हैं, सही मुहूर्त में आए हैं, हमें पता है तू आज हारेगा। और बात पीछे अपने जितने दोस्त थे सही सही कैलकुलेशन किया यार, ब्राह्मण पक्के ब्राह्मण थे, हमने बिना मतलब का उनको इतना हरास कर दिया है, सही सही टाइम दिया। सही में यार ब्राह्मणों में शक्ति होती है, ये देखो कैसे भाग रहा है डर के, देखो क्या कैलकुलेशन किया है। अब भगवान जो है भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे, तो भगवान जो है ना एक पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, है ना, कृष्ण और बलराम दोनों चढ़ गए ऊपर पहाड़ पे। जरासंध क्या किया, उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया, बोला इसके पहाड़ पे चढ़ गया, अब इस पहाड़ को हम क्वारंटाइन कर देते हैं। चारों तरफ से उस पहाड़ को, और अकेले नहीं था, उसके पास दुर्योधन भी था उस लड़ाई में, दुर्योधन ज़्यादा था अपनी सेना लेकर, है ना। तो कई राजा थे उसके साथ, जरासंध के साथ, सब मिल के घेर लिया सारा पहाड़ और ढूंढने लगे, इतना बड़ा पहाड़ था कहाँ ढूंढेंगे, और चढ़ना था ऊपर पहाड़ पर, तो सोचे अब इस सब में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, खान पान का सामान भी नहीं है, ऐसा करते इसमें आग लगा देते हैं पहाड़ पे। तो आग लगा दिया पहाड़ पे और लगा के भागे, सोचा अब मर जाएंगे आग लग गया, अब भगवान ऊपर से कूदे और कूद के फिर वापस आ गए, वापस चले गए कहाँ, द्वारका, द्वारका चले गए। और इधर जरासंध खुश है कि भगवान को हमने मार दिया, जला दिया, ब्राह्मण तो छूट गए। लेकिन ये नहीं बोला ब्राह्मण ने, बोलते कि आप उनको कृष्ण मर जाएंगे, ये नहीं बोलते कि कृष्ण हार जाएंगे, तो हार तो गए ही, हार तो गए ही ना, तो ब्राह्मणों की बाणी सही हो गई। तो ब्राह्मणों को बहुत पूजा किया जाके, जरासंध बहुत पूजा किया, ब्राह्मण भी खुश हो गए, अरे हमने तो कुछ किया नहीं था, हमने तो ऐसे तुक्का में डेट बताया था यार। क्या कृष्ण आप लोग बुलाया बाद में जाके सबको, और गाजा बाजा पूरा एकदम बढ़िया, एकदम फूल बरसाया जा रहा है, पूरा व्यवस्था किया था जरासंध, सब फूल बरसाया जा रहा है ब्राह्मण के ऊपर, ऐसे ब्राह्मण क्या हो गया यार, क्या कर ऐसे क्यों कर रहा है ये। तो बताया कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं। क्या हुआ महाराज, अरे क्या हुआ, आप लोग कैलकुलेशन करके दिए थे तो ऐसे थोड़े हो जाएगा, तो हार गया, भाग गया वो डर के मारे, क्या ये कैसे हो गया, वो तो हमने तुक्का दिया था, तुक्का डेट दिया था मुहूर्त, सब क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो समझ में आया कि भगवान जानबूझ के हमको बचाने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए ऐसा किए हैं, है ना। तो इसी बात को समझा रहे हैं यहाँ पे कि आपने हारिया बढ़ाए न भृत्य बल, अतएव नाम तान सेवक वत्सल, आपने हारिया बढ़ाए न भृत्य बल। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, सेवक वत्सल है, रण छोड़ रहा है,
रणछोड़ राय बन गए। इसलिए गुजरात में भगवान के विग्रह हैं, क्या नाम है उनका, रणछोड़ राय। डाकोर में द्वारकाधीश को क्या बोलते हैं, रणछोड़ राय। हाँ, तो जो गीत गाते हैं तो उनको गाली ऐसे ही देते हैं। गीत जब गाया जाता है भगवान के लिए, भगवान रिलेटिव के यहाँ जब जाते हैं तो ऐसे ही गीत गाते, तू रण छोड़ के भाग गया, है ना, बड़ा आनंद आता है। सर्वत्र रक्षा कहे न प्रभु राचरण, बल देखी के माते छड़ी बे भक्त गण। ऐसे भगवान के चरण कमलों को कौन छोड़ सकता है, हैं, जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनकी इतनी चिंता करते हैं, उनके इतने विचार करते हैं, हैं? सर्वत्र रक्षक है न प्रभु र चरण। एक भक्त के लिए भगवान के चरण कमल ही एकमात्र उनके रक्षक हैं, केवल भगवान के चरण कमल। और कोई सहारा नहीं है उनके लिए, इसलिए भगवान के भक्त कैसे छोड़ सकते उन चरण कमलों को, उनके लिए तो और कोई सहारा है ही नहीं। हे न माते करी प्रभु जवरे विनाश, पुन पुन तीर्थे आसी अहिला प्रकाश। इस प्रकार से इस सिद्धांत को स्थापित करने के बाद ब्राह्मणों की महिमा, वैष्णवों की महिमा, संतों की महिमा को स्थापित करने के उपरांत महाप्रभु उस गांव से आगे बढ़े और आ गए पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ है जानते हैं, पटना से गया जाएंगे तो रास्ते में जो दूसरा स्टेशन, दूसरा तीसरा आता है वो पुनपुन नदी, पुनपुन ट्रेल ट्रेल ट्रेन स्टेशन, ट्रेन से जाएंगे तो दूसरा स्थान आता है पुनपुन, उस तीर्थ स्थान है वो पुनपुन तीर्थ। तो श्राद्ध वहाँ पे करना ज़रूरी है, गया जो भी जाता है तो पुनपुन जाना ज़रूरी है, वहाँ पे भी पुनपुन नदी बहती है। पुनपुन नदी जो है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, भक्ति सेन ठाकुर की पुनपुन नदी है, है ना, वो बड़ा प्रसिद्ध है, शास्त्रों में उसकी महिमा का वर्णन है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी पितृदेव किया, वहाँ पे भी महाप्रभु ने क्या किया, वहाँ पे भी पितृ तर्पण किया। स्नान करी पितृदेव करिया अर्चना, गया ते प्रविष्ट हैला श्री सची नंदन। स्नान किए वहाँ पुनपुन नदी में, स्नान किए। हम लोग को भी जाना चाहिए, अगर बिहार के भक्त तो जा ही सकते हैं पटना वाले पुनपुन तीर्थ में, उसी तीर्थ पर स्नान किया, पितृदेवों को अर्चन किया वहाँ, पितरों को, और फिर वहाँ से आगे बढ़े और गया पहुँच गए। गया ते प्रविष्ट है श्री सचिनंदन। गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हैया, नमस्कार ले न प्रभु श्री कर जुड़िया। गया में जब प्रविष्ट किए तो तीर्थराज गया को दोनों हाथ जोड़कर घुसते ही प्रणाम किए। ब्रह्म कुंडे आसी प्रभु करी ले न स्नान, यथोचित कैला पिता देवे र समान। तो गया में पहुंच के सबसे पहले कहाँ गए, ब्रह्मकुंड पे, गया में ब्रह्मकुंड है वहाँ गए और वहाँ पर जाकर स्नान किए। स्नान करने के बाद वहाँ पर पितृदेवों का सम्मान उचित रीति रिवाज से किए। तबे आई लेना चक्र बेदेरा भीतारे, पाद पद्म देखी बारे चलिला सत्वरे।
उसके बाद प्रविष्ट किए कहाँ, चक्रवेद, चक्रवेद के अंदर जो वहाँ मंदिर है उसको चक्रवेद बोलते हैं, जो विष्णुपाद मंदिर है, है ना, उसको चक्रवेद बोलते हैं। उस मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए और वहाँ से तेजी से गए चक्रवेद के बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों को दर्शन करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। विप्र वहाँ पहुँचते तो क्या माहौल है, जब प्रविष्ट किए मंदिर में, आप भी जाएंगे तो ऐसा ही माहौल आपको मिलेगा, हम लोग गए थे तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल, कैसा माहौल रहता है वहाँ उसका वर्णन सुनिए। विप्र गण वेदिया छे श्री चरण स्थान, श्री चरण माला जेन देउल प्रमाण। तो चारों तरफ जैसे है ना, जैसे मंदिर का डोम होता है देवल स्थान, ऐसा होता है उसी तरह से एक साथ स्टैक करके गार्लैंड रखा हुआ था, एकदम इतना गार्लैंड रखा हुआ था, बगल में लोग आते थे तो चढ़ाते थे ना गार्लैंड, तो लेके ब्राह्मण लोग ऐसे स्टैक करके रखते थे। और विप्रगण वेदी आछे श्री चरण स्थान, तो बीच में जैसे ऐसे ही सर्कल है, ऐसे ही सर्कल है वहाँ सर्कल, और बीच में भगवान के चरण कमल है ना, भगवान के गया धाम की लीला कल बताएंगे, है ना, गया का नाम, गया इतना प्रसिद्ध तीर्थ कैसे बना, है ना, थोड़ा वर्णन करेंगे कल, पुराणों में उसका वर्णन है। तो वहाँ पर चारों तरफ भगवान के जो श्रीचरण के चारों तरफ ब्राह्मण बैठे रहते हैं, है ना, और क्या कहते हैं चरणों के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं इसकी महिमा, उस स्थान की महिमा, वहाँ का पूजा पाठ कराना, ये सब पंडित जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ऐसे बैठे रहते हैं। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कत पढ़िया छे लेखा जोखा नाही तारो। कितना गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कितना वहाँ पर लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, सब कितना था उसका गणना नहीं किया जा सकता है। कह रहे कि चतुर्दी के दिव्य रूप धरि विप्र गण, करिते छे पद पद्म प्रभाव वर्णन। बड़े अच्छे से ड्रेस पहन के एकदम दिव्य रूप धारण करके ब्राह्मण लोग दिव्य रूप धारण करके एकदम बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, पाद पाद पद्म प्रभाव वर्णन, पाद पद्म चरण कमल, चरण कमलों के, भगवान के श्री चरण कमलों के प्रभाव का वर्णन सुनाते हैं, क्या इसका क्या प्रभाव है, इसको दर्शन करने का क्या प्रभाव है, ये चरण कमल की क्यों क्या महिमा है, वो शास्त्रों से कोट करते हुए श्लोकों के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, अब तो नहीं करते उतना समय करना, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, हैं उस चरण कमल की महिमा को सुने महाप्रभु तो प्रेम वहीं पे, फर्स्ट प्रेम यहाँ पे, उस चरण कमल की महिमा सुन के पहला प्रेम का लक्षण महाप्रभु को प्रकट हुआ, कृष्ण के चरण कमलों की महिमा को श्रवण करके। एक शीघ्र ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सारे भक्तों को समझना चाहिए, फेस देख कर नहीं, क्या चरणों की महिमा का श्रवण करके, दर्शन कानों से श्रवण किया और तब देखिए क्या होता है ना, क्या सुना ऐसा कि प्रेम प्रकट हो गया, जानना चाहते हैं क्या बोला ब्राह्मणों ने वहाँ, सुनिए। काशीनाथ हृदय धरिला जे चरण, जे चरण निरवधि लक्ष्मी रा जीवन,
कलिसी रे आविर्भाव हैला जे चरण सेई जेई देख जत भाग्यवंत जान। ब्राह्मण कह रहे हैं हे भाग्यवान जीव, हे भाग्यवान लोग, आप लोग भाग्यवान लोग हैं। ब्राह्मण बोल रहे हैं आप लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं। बोले कैसे? बोले आप भगवान इसलिए हैं कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आप जानते हैं ये क्या है। ये वही चरण है जिसको काशीनाथ भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वही चरण है जिसको 24 घंटे लक्ष्मी जी दबाती हैं। लक्ष्मी जी के प्राण जीवन है ये चरण, और वो चरण आपको देखने को मिल रहा है, तो आप भाग्यवान नहीं हुए। बलि सिरे आविर्भाव है लजे चरण से ही देखा जात भाग्यवंत जान। यही वो चरण है जो कि महाराज बलि के सिर पर आविर्भूत हुए। महाराज बलि के सिर पे रखा है और बलि जो है क्या बन गए? महाजन। तिलार्धे को जे चरण ध्यान कैले मात्र जमतार न है न अधिकार पात्र। यदि आधे क्षण के लिए भी अगर कोई व्यक्ति इन चरणों पर ध्यान लगाता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है आधे क्षण के लिए, कितना? आधे क्षण के लिए भी अगर कोई व्यक्ति उन चरण इन चरण कमलों का ध्यान करता है तो यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, यमराज उसको स्पर्श नहीं कर सकते आधे क्षण के लिए। तो आप सब जाकर आधे क्षण के लिए देख कर आइए गया धाम। हमारे जगदीश श्याम प्रभु वहाँ के इंचार्ज हैं, आपको स्वागत करेंगे गया धाम के। हम लोग गए थे तो वहाँ पे काफी कीर्तन किए थे बैठकर मंदिर में। जोगेश्वर सवार दुर्लभ जे चरण से ही देख जात भाग्यवंत जान। हे भाग्यवान लोग, वो चरण जो जोगेश्वरों के लिए भी क्या है? दुर्लभ है। लाखों जन्मों लाखों वर्षों तक ध्यान लगाते हैं तभी वो चरण हृदय में प्रकट नहीं होते हैं, और ये साक्षात चरण है। शास्त्र बताते हैं ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर भगवान ने चरण रखा, बल्कि चरण तो चिन्ह तो कई जगह है भगवान के, लेकिन गया का स्पेशल वैल्यू है क्योंकि वहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है कि ये चरण और मेरे साक्षात चरण में कोई भेद नहीं है। मतलब इसका कोई दर्शन कर रहा है, मतलब साक्षात मेरे चरण का दर्शन कर रहा है, ऐसा भगवान ने कहा है। वही चीज बता रहे हैं कि जोगेश्वर है, क्योंकि बोले अच्छा ये इससे क्या होगा, हम ध्यान लगाएंगे, ध्यान वाला चरण ज्यादा बढ़िया है, 1000 वर्ष तक योगी ध्यान लगाएंगे तो हृदय में चरण प्रकट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या जरूरत है, जाके गया में देख लो, नहीं गया में देख लो। गया के महात्म्य में वर्णन है, इस बात का वर्णन है कि यमराज है ना कि कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने ये चरण कमल प्रकट किए कि कलयुग में लोग ध्यान नहीं लगा पाएंगे ज़्यादा, इतना ध्यान में हृदय में प्रकट नहीं कर पाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने इसलिए दया आउट ऑफ हिज काउजलेस मर्सी उन्होंने बोला कि ध्यान नहीं लगा, कम से कम गया जा तो सकते हैं, ट्रेन पकड़ के जाएंगे, ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद जाइएगा है ना, तो जाके दर्शन कर सकते हैं, वो एज गुड एज साक्षात दर्शन। जे चरणे भागीरथी हैला प्रकाश नि
निरवधि हृदय न छाड़े जारे दास अनंत सयाय अति प्रिय जे चरण से देख जत भाग्यवंत जान। हे भाग्यशाली लोग, ये वही चरण है जिनसे भागीरथी गंगा का प्रकाश हुआ है, और ये वही चरण है, हे भाग्यशाली जीव, ये वही चरण है जिसको आप देख रहे हैं, याद की समझिए कि याद दिला रहे हैं, कोई साधारण चीज नहीं है, है ना। ये वही चरण है जिसको भगवान के भक्त सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वही चरण है जो हमेशा अनंत शेष के ऊपर विराजमान रहते हैं क्षीर सागर में। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे। प्रकट हो गया हरि बोल। ये लीला अब महाप्रभु का प्रेम लीला शुरू हो गया है। चरण प्रभाव सुनी, क्या चरण प्रभाव सुनी, देखने से नहीं श्रवण करने से, श्रवण की महिमा इतनी है। दिस इज द सीक्रेट। धाम में जाकर देखने से क्या होगा, पत्थर देखेगा क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। इसलिए नास्तिक कोई जब चला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, ये सब उल्लू है, सब क्या कर रहा है, पत्थर पे सब चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है पत्थर पे, क्या करते हैं आप लोग, ये तो गरीबों को बांट दीजिए ना, क्या करते हैं, सब पैसा बर्बाद कर देंगे क्या, कोरोना के लिए दे दीजिए दान। नहीं तो उसको क्या दिखेगा, जब जब बैठ के श्रवण करेगा तब तो समझ में आएगा। आँखों से देखने से थोड़े समझ में आएगा प्रभाव। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे। ब्राह्मणों के मुख से है? किसके मुख से प्रभाव सुना, ब्राह्मणों के मुख से, विषयी ब्राह्मण नहीं है ये, कौन है, अनुरक्त ब्राह्मण है, जिनके जिनके हृदय में ठाकुर जी के चरणों के प्रति वैसा अनुराग है, है ना, जो केवल जानते ही नहीं है, बोलते ही नहीं, बल्कि मानते हैं, उस प्रकार से वो चरण उनके जीवन है, और जब वो बताए, उनके मुख से जब प्रभाव सुना, चरण का प्रभाव, तो प्रभु आविष्ट हो गए, प्रेम आनंद के सुख में आविष्ट हो गए। अब क्या हुआ सुनिए, फर्स्ट टाइम अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्मनायने लो महर्ष कंप हैला चरण दर्शन। अभी दीक्षा भी नहीं हुआ है, अभी दीक्षा नहीं हुआ ईश्वरपुरी से, अब दीक्षा होगा, उससे पहले प्रेम प्रकट हो गया चरण दर्शन करके। क्या अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्म नयने, कमल नयन से अश्रुओं की धारा बहने लगी, सुनकर प्रभाव सुनकर लो महर्ष है कंप रोमांच कंपाश्रु, सब चरण के दर्शन करने से गिरने लगे।
सर्व जग तेरा भाग्य प्रभु गौर चंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरंभ। प्रेम भक्ति का प्रकाश आरंभ कर दिया श्री गया धाम की, श्री विष्णु पाद पद्म की, सारे संसार का भाग्य उदय का शुरुआत गया से हुआ है। सर्व जगत तेर भाग्य प्रभु गौरचंद्र, इस संसार को उद्धार की लीला का शुरुआत कहाँ से हुआ? गया धाम से। प्रेम भक्ति प्रकाश करीला आरंभ, आरंभित कर दिया प्रेम भक्ति को प्रकट करना। अविछिन्न गंगा बहे प्रभु रानयने परमाय अद्भुत सब देखे भी प्रगणे दैव जोगे ईश्वर पुरियो से छाणे आइले न ईश्वर इच्छाय से स्थाने। अविछिन्न गंगा प्रभु के नेत्र कमलों से अविछिन्न गंगा बह रही है, निरंतर गंगा बह रही है नेत्रों से। सारे ब्राह्मण दर्शन करने वाले तो बहुत लोग आते थे, बहुत लोग श्रवण करते थे, लेकिन ऐसा यजमान नहीं मिला आज तक, ऐसा पुरोहित को यजमान, पांडा को कोई यजमान नहीं मिला कि प्रभाव सुनते इस तरह से रोए कोई। इसलिए परम अद्भुत आश्चर्य से सारे विप्र देखने लगे। किसको देख रहे? चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, विकार जो आंखों से अश्रु गिर रहे हैं देख रहे हैं। कोई भी अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसी समय सौभाग्य से उसी समय उसी स्थान पर भगवान की इच्छा से ईश्वरपुरी जी आ गए। ईश्वरपुरी जी पधारे। ईश्वरपुरी रा देखी श्री गौरा सुंदर नमस्कार लेन अति करिया आदर ईश्वरपुरी ओ गौरचंद्र देखिया आलिंगन करिले न महाहर्ष हैया। ईश्वरपुरी को देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, अभी तो संन्यास नहीं हुआ तो नाम निमाई ही है, निमाई पंडित ने विश्वंभर ने नमस्कार किया बड़े ही आदर पूर्वक। और ईश्वरपुरी ने भी देखा गौर सुंदर को तो उठाकर बड़े ही हर्षपूर्वक महाहर्ष हो हर्षित होकर उनको आलिंगन किए। दोहाकार विग्रह दोहाकार प्रेम जले सिंचित हिला प्रेमा नंद कुतूहले। दोनों का विग्रह शरीर हैं और दोनों के नेत्रों से जो प्रेम जल निकल रहा था, प्रेम जल बह रहा था, प्रेम जल प्रवाहित हो रहा है नेत्रों से हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं उनके नेत्र से जल बह रहा है हैं, ईश्वरपुरी के नेत्र से जल प्रवाहित हो रहा है प्रेम जल, उससे महाप्रभु सिंचित हो गए और महाप्रभु के नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा था उसे ईश्वरपुरी सिंचित हो गए। प्रभु बोले गया यात्रा सफल मार जत क्षण देखिलान चरण तुमार। गौरचंद्र प्रभु क्या वो कहते हैं, यह ठाकुर मेरा गया यात्रा सफल हो गया उसी क्षण जब आपके चरणों के दर्शन हुए तब जाके मेरा गया यात्रा सफल हो गया। ये है गया यात्रा, तीर्थ यात्रा,
तीर्थ यात्रा पे हम जा रहे हैं और संत के दर्शन नहीं हुए, संत का संग नहीं मिला, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कल्याण कल्प तरु में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मना तुमि तीर्थे सदारत, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती यार आछे जा। हे मेरे मन, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती द्वारका, ये हर जगह तुम जाते हो। तुमी चाह भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे, मुक्ति लाभ करिबार तरे से सकल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम, चित स्थिर तीर्थ नाही करे, तीर्थ फल साधु संग साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, जथा साधु तीर्थ तथा तीर्थ चिर कर निज चित, साधु संग कर निरंतर। कहते कि तीर्थ फल साधु संग है, वास्तव में तीर्थ जाने का क्या फल है? साधु संग। इसलिए साधु संग करने करना चाहिए, श्री कृष्ण मनोहर लगने, भजन मनोहर लगने लगता है, मन को हरने वाला साधु संग में। जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करे निज चित्त, अपने चित्त को स्थिर करके इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ साधु है वहीं पर क्या है? तीर्थ है। जहाँ साधु है वहीं तीर्थ है, इसलिए साधु संग कर निरंतर। जे तीर्थे वैष्णव नाय से तीर्थे ते नाही जाय, यानी जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है उस तीर्थ में जाने का कोई लाभ नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, जहाँ वैष्णव नहीं वहाँ नहीं जाने का की लाभ हो, की लाभ हाथिया दुर्देश, इतना दूर जाने का क्या फायदा जब वैष्णव नहीं है। जथाय वैष्णव गण से स्थान वृंदावन, से स्थाने आनंद अशेष, जहाँ पर वैष्णवगण रहते हैं वो स्थान, वही स्थान क्या हो जाता है? वृंदावन। वहाँ पे आनंद अशेष आनंद आता है। कृष्ण भक्ति जे स्थाने मुक्ति दासी से खाने, सलील तथा मंदाकिनी गिरी तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, आविर्भूत आपनी ह्लादिनी विनोद कही छे भाई, भ्रमिया की फल पाई वैष्णव सेवन मोर व्रत। कहते हैं कि जिस स्थान पर वैष्णव होते हैं, जहाँ पे वैष्णव होते हैं वहाँ पे कोई
जलाशय अगर मिल जाए तो मान लीजिए कि वही क्या है, गंगा है। क्या है? गंगा। अगर वैष्णव वहाँ पे हैं, वहाँ पे कोई जलाशय है तो जलाशय क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है वैष्णव के प्रभाव से। और अगर कोई वहाँ पहाड़ है जहाँ वैष्णव निवास करते हो, कोई पहाड़ है तो मान लीजिए कि वो पहाड़ क्या हो जाता है, गोवर्धन। और वहाँ पे जो भूमि है वो भूमि क्या हो जाती है, वृंदावन। और वहाँ पे भगवान की आह्लादिनी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है, राधा रानी आ जाती हैं। राधा जहाँ आ गई वो वृंदावन हो गया, है कि नहीं? या तो जहाँ वृंदावन होगा वहाँ राधा रानी जाएंगी, और अगर राधा रानी आ गई तो वहाँ वृंदावन आ जाएगा अपने आप, है कि नहीं? जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ या मेरी गाड़ी जाएगी, या मेरी गाड़ी जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। तो ना कोई अंतर है, या तो मेरे को कहीं लेके आ जाइए या मेरी गाड़ी को लेके आ जाइए, और कुछ मुझे बैठा के। इसलिए कहते विनोद ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि हे भाई, क्यों इधर उधर मारे फिरते हो तीर्थ में, हैं? इस तीर्थ तीर्थ क्यों घूमते हो, हैं? हैं? वैष्णव के सेवा करो, वही मेरा व्रत है, वही सबसे बड़ा फल है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरा गया यात्रा सफल हो गया, ईश्वरपुरी आपके दर्शन करने से आपके संग मिल गया मुझे। तीर्थ पिंड दिले से निस्तारे पितृगण, से हजारे पिंड दे तारे से ही जान, तोमा देखिले मात्र कोटि पितृगण, से क्षण सर्वबंध आए विमोचन। कहते हैं कि अगर आप तीर्थ यात्रा में जाओगे, महाप्रभु बोल रहे हैं ईश्वरपुरी जी से कि तीर्थ यात्रा में जाकर पिंड दान करने से जिस व्यक्ति के लिए आप पिंड दान कर रहे हैं वही व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन हे ईश्वरपुरी जी, आपका दर्शन करने से करोड़ों पितरों का उद्धार हो गया, केवल आपका दर्शन करने से, ऐसे बोल रहे हैं। तोमा देखिले मात्र कोटि पितृगण, तोमा देखिले मात्र, आपको देखने मात्र से कोटि मतलब करोड़ों पितृगण, सही क्षण सर्वबंध पाए विमोचन। देखने मात्र जिस क्षण हमने मैंने आपको दर्शन किया उसी क्षण करोड़ों पितृगण जो हैं वो बंधन से मुक्त हो गए। ये है संत का प्रभाव। अतएव तीर्थ नाही तुमार समान, तीर्थे ओ परम तुमी मंगल प्रधान। इसलिए तीर्थ आपके बराबरी नहीं कर सकता। सारे तीर्थों में जो टॉप क्लास तीर्थ जो हैं वो आप हैं। संसार समुद्र हईते उधार मोरे, एयामी देह समर पिला न तुमारे। कहते कि हे ठाकुर, संसार समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए, मैं अपना शरीर आज आपके चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मतलब गुरु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, ऐसे बोले कि शिष्य बना लीजिए, मेरा संसार समुद्र से उद्धार कर दीजिए। कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्ही यही चाहिदान। और इस प्रकार से मुझे स्वीकार कर लीजिए, हैं? मैं आपको समर्पण करता हूँ अपना शरीर, मुझे स्वीकार करके बस मुझे एक चीज, एक वरदान दीजिएगा, लेकिन क्या, कि कृष्ण के चरण कमलों का अमृत का रसपान करा दीजिए मुझे।
कृष्ण चरण कमलों के अमृत का रसबान आप मुझे करा दीजिए, यही एकमात्र वरदान रिटर्न में चाहता हूँ। बोले ना ईश्वरा पूरी सुना पंडिता, तुम्ही जे ईश्वर अंश जानिनु निश्चिता। ईश्वर पूरी बोले पंडित सुनिए, मेरे को सब पता है, डाउट नहीं है, निश्चित पता है कि आप ईश्वर के अंश हैं। आप ईश्वर के अंश है, मुझे पता है। जे तो मारो पांडित्य जे चरित्र तो मार, से हकी ईश्वर अंश वही है यार। ये जो आपका चरित्र दिख, जैसा आप जिस प्रकार का पांडित्य और जिस प्रकार का चरित्र आपका कैरेक्टर है, ये ईश्वर के अलावा और किस में हो सकता है? जेनो आजी आमी शुभ स्वप्न देखिला, साक्षाते ताहार फल पाइलान। सत्य बताता हूँ, कल रात में मैंने एक बहुत शुभ स्वप्न देखा। ईश्वरपुरी बोल रहे हैं, रात में मैंने एक स्वप्न देखा, बड़ा ऑस्पिशियस ड्रीम था, और मुझे पता था कि इसे कुछ आज मिलने वाला है मेरे को, और वही मुझे लगता है कि वो सपना का फल अभी मिला है मेरे को। सत्य कही पंडिता तुम्हार दर्शने, प्राणानंद सुख जेन पाई अनुक्षणे। हे पंडित, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, झूठ उठ कर सत्य बोल रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ। तुमको देखता हूँ ना तो परम आनंद सुख प्राप्त होता है, हर क्षण 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 मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है, लगता है परम आनंद हृदय में आ रहा है तुमको देखने से। जदवधि तो माँ देखी अच्छी नदियार, तदवधि चिते यार किछु नहीं भाई। हे निमाई, जब से मैंने तुम्हें नदिया में देखा है, उस समय से लेकर आज तक मैं तुम्हारे अलावा चित्त में और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, तब से आज तक मेरे चित्त में और कुछ लगता ही नहीं अच्छा, बस तुम्हारा ही चिंतन होता रहता है। सत्य एई कही इथे अन्य किछु नाही, कृष्ण दर्शन सुख तुमा देखी पाई। पंडित, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लेना, किसी और भाव में मत लेना, पर सत्य यही है कि जब मैं तुमको देखता हूँ तो कृष्ण दर्शन का सुख मिलता है। सुनी प्रिय ईश्वर पूरी सत्य वाक्य, हसिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। ईश्वर पूरी कैसे प्रेम में भरे वचन को सुनकर हंसते हुए प्रभु बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या बोले? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा समझते, आपके हृदय में मेरा स्थान है, आप जैसे महान संत मुझे याद करते हैं, हैं? ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है मेरा कि आप मुझे, आप जैसे महान संत मुझे याद करते हैं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे कहने का था कि मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर हे माता कत यार कौतुक संभास, जत है लता वर्णी बिन भेद व्यास। और भी बहुत सारी बातें हुई, कौतुक हुआ, संभाषण हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, फ्यूचर में वेद व्यास जी इसको और विस्तार से बताएंगे। कह रहे हैं कि
मैं इतना ही बताऊंगा, लेकिन भविष्य में जब तक हैला जितना कुछ हुआ वो हैला तहाँ वर्णी बेन वर्णन करेंगे वेद व्यास जी, वेद व्यास जी वर्णन करेंगे फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में ऐसी लीला कहीं आएगी डिटेल में जहाँ। तबे प्रभु तार स्थान अनुमति लैया तीर्थ श्राद्ध करी बार बसिलायसी। फिर जब आशीर्वाद और अनुमति लेकर पिंड दान करने के लिए तीर्थ में श्राद्ध करने के लिए आकर बैठ गए। अब कहाँ कहाँ तीर्थ पिंड दान किए उसको सुनिए। फल्गु तीर्थे करी बाल कर पिंड दान तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रेत गय स्नान। प्रेत गया श्राद्ध करी श्री चची नंदन दक्षिणा वाक्य तुसी लेना भी प्रगण तबे उधरिया पितृगण संतर पिया दक्षिण मन से चली लेना हसैया तबे चली लेना प्रभु श्री राम गया राम अवतारे श्राद्ध करी ल अवतारे से स्थान श्राद्ध करी तबे युधिष्ठिर गया गेला गौरहरी पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न तथाय से प्रीते तथा श्राद्ध कैला गौर राय चतुर्दी के प्रभु रे बेड़िया विप्रगण श्राद्ध कराए न सभी पढ़ा न बचन करी प्रभु पिंड फेले जेई जाले भयादि ब्राह्मण सब करी धरी गीले देखिया हसे न प्रभु श्री सचिनंदन से सब पेरो जत खंडिल बंधन उतर मान से प्रभु पिंड दान करी भीम गया करी लेन गौरांग श्री हरि शिव गया ब्रह्म गया आदि जत आछे सब करी षोड़स गया गेला पाछे षोड़स गया प्रभु षोड़स करिया सभारे दिल न पिंड सदा युक्त हैया तबे महाप्रभु वृक्ष कुंडे करी स्नान गया सिरे आसी करी लेना पिंड दान दिव्यमाला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया विष्णु पद चिन्ह पूजी लेना हसैया मत सर्वस्थाने श्रद्धा दि करिया बसाए चलीला विप्रगणे संतोषिया तबे महाप्रभु कथो क्षणे सुष्ट हैया चंदन करिते प्रभु बसिले न किया चंदन संपूर्ण हैला हे नहीं समय आइले न ईश्वर पूरी महाशय। अनुमति लेकर तीर्थ में पितृ श्राद्ध करने के लिए आकर बैठे पश्चात फल्गु तीर्थ में बालू के पिंड दान करके गिरी शिखर पर प्रेत गया नामक स्थान पर गए। प्रेत गया में श्राद्ध करके श्री सचिदानंदन ने विप्रों को दक्षिणा से एवं सुंदर वाक्यों से प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रेतों का उद्धार एवं संतर्पण करते हुए प्रभु प्रसन्नतापूर्वक दक्षिण मानस को गए। वहाँ से प्रभु श्री राम गया को गए जहाँ प्रभु श्री राम अवतार काल में श्राद्ध किए थे। इस अवतार में भी उस स्थान पर श्राद्ध करके श्री गौरहरि युधिष्ठिर गया को गए। पूर्व काल में वहाँ पर युधिष्ठिर जी ने पिंडदान किए थे, इसी स्नेह के कारण श्री गौरचंद्र ने भी वहाँ पर श्राद्ध किया। विप्रगण प्रभु को चारों ओर से घेर कर शास्त्र विधि के अनुसार वचन बुलवाते हुए श्राद्ध कराते थे। प्रभु ज्यों ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे त्यों ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा उठा कर मुंह में रखते जाते थे।
यह देखकर प्रभु हंसने लगे। आपकी कृपा से उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। उसके पीछे गौरांग श्रीहरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिंड दान करके भीम गया में पिंड दान किया। शिव गया, ब्रह्म गया आदि सब गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु पीछे षोडश गया को गए। षोडश गया में प्रभु षोडशों कर श्रद्धापूर्वक सब पितृगणों को पिंड दान किया। पश्चात प्रभु ने ब्रह्मकुंड में स्नान करके गया सिर पर आकर पिंड दान किया। श्री प्रभु ने श्री हस्तों ने में दिव्य चंद माला चंदन लेकर प्रसन्नतापूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा की, फिर वापस आ गए मंदिर में, विष्णुपाद मंदिर में, और फिर वहाँ पर पूजा की लास्ट में आके। इसी प्रकार सब स्थानों में श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर वापस आ गए। वहाँ पर श्री महाप्रभु जी कुछ देर आराम करके रसोई तैयार करने लगे, खुद कुकिंग कर रहे थे, खुद कुकिंग रसोई बनाने लगे। रसोई तैयार हो चुकी उसी समय श्री ईश्वरपुरी महाशय आ पहुँचे। कौन आ गए? ईश्वरपुरी महाशय अब आ पहुँचे। रंधन संपूर्ण हैल हे नाई समाए, आइले न श्री ईश्वर पुरी महासन। प्रेम जोगे कृष्ण नाम बलिते बलिते, आइले न प्रभु स्थाने धुलिते धुलिते। ईश्वरपुरी प्रेम योग में स्थित होकर कृष्ण नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ढूलते 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 आ रहे हैं। ढूलते ढूलते मतलब प्रेम में एकदम पिघल पिघला हृदय पिघल रहा है। व्यक्ति कैसे लड़खड़ा के चलता है ऐसे, जैसे कि इतने मस्त हैं एकदम। रंधन एड़िया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्कार तने बसिले नमासने। जब देखा कि ईश्वरपुरी जी आ गए तो तुरंत कुकिंग छोड़ दिए, बंद कर दिए कुकिंग, उसी समय रोक कर कुकिंग रोक कर किचन छोड़कर आए और दंडवत प्रणाम किए ईश्वरपुरी जी को और आसन दिए बैठने के लिए। हसिया बोले न पूरी सुना पंडित, भालई समय है लनुपनीत। ईश्वरपुरी बोले पंडित मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ। सही टाइम पे आया हूँ मतलब प्रसाद पानी। प्रभु बोले जबे हैला भागे रहुदाय, एई अन्न भिक्षा आजी करमासाय। तो पंडित प्रभु बोले कि हे महाशय, अगर आप चाहते हैं कि आज मेरा भाग्य का उदय हो तो मेरे हाथों से आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा मतलब प्रसाद। हसिया बोले न पूरी तुमी की पाइबे, प्रभु बोले आमी अन्न रांधी पान एबे। ईश्वरपुरी बोले अच्छा अगर मैं पालूंगा तो तुम क्या पाओगे, तुम क्या पाओगे? प्रभु बोले मैं दोबारा कुकिंग कर लूंगा। क्या बोले? मैं दोबारा पकाऊंगा। पूरी बोले की कारे करीबे आर पाक, जे अन्न आछे ताहा कर दुई भाग।
ईश्वरपुरी जी बोले, अरे नहीं नहीं दोबारा क्यों पकाओगे, जितना है उसी में दो भाग कर लेते हैं, उसी को दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक तुम लेना एक मैं ले लूंगा। हसिया बोले न प्रभु जदिया मचाओ ते अन्न हैया छे ताहा तुमी सब खाओ। वो प्रभु हंसते हुए बोले कि हे ईश्वरपुरी जी, अगर आप मुझे प्रसन्न करना देखना चाहते हैं तो जो भी मैंने पकाया वो सब आप खाइए। तिलार देख आर अन्न रंधी बान आमी ना कर संकोच किछु भिक्षा कर तुमी। बोले संकोच करने लगे, नहीं सोचने लगे ईश्वरपुरी क्या करूं। बोले आप एक क्षण के लिए भी मत सोचिए, एक क्षण लगेगा मेरे को दोबारा बनाने में, एक क्षण, ऐसे बोले एक क्षण लगेगा, आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप संकोच मत कीजिए ठाकुर, आप में प्रसाद पाइए। तबे प्रभु आपनार अन्न तारे दिया आर आन रांधी ते से गेला हर सही। तभी प्रभु अपना अन्न जो है देकर दोबारा कुकिंग के लिए गए। हेन कृपा प्रभु र ईश्वरपुरी प्रति, ईश्वरपुरी के प्रति जो कृपा थी निमाई भगवान विश्वंभर की, पूरी ओ नाही को कृष्ण छाड़ा अन्य मती। ईश्वरपुरी जो हैं वो हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे, एक क्षण के लिए भी कृष्ण के चरण कमलों को त्यागते नहीं थे, और इसी के कारण भगवान ने ईश्वरपुरी, भगवान के हृदय में भी ईश्वरपुरी के प्रति इतनी कृपा थी, इतना प्रेम था। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिसेवेशन, अपने हाथों से खुद भगवान प्रसाद खिला रहे थे, ईश्वरपुरी जी को परोस रहे थे। और ईश्वरपुरी जो है परम आनंद में, परमानंद, परमानंद भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, परमानंद में। सही क्षण रमा देवी अति अलक्षित, उसी समय लक्ष्मी जी अति अलक्षित मतलब छुप कर बिल्कुल गुड रूप में आकर, अलक्षित की अदर जिसको कोई देख नहीं, इनविजिबल रूप में आकर प्रभुर निमित्त अन्न राधिवत त्वरित तुरंत भगवान के लिए कुकिंग कर दिया। किचन में आके स्वयं लक्ष्मी जी आकर कुकिंग की पीछे से अलक्षित रूप में, तभी तो बोले एक क्षण में बन जाएगा। तभी प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया आपने वो भोजन करीला हर्ष दशय, उसके बाद प्रभु ने उनको भिक्षा करा के फिर स्वयं भोजन किया। ईश्वर पुरी र संगे प्रभु र भोजन इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। ये लुज लीला है जब ईश्वरपुरी के साथ जो भोजन किया प्रभु ने, जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। तभी प्रभु ईश्वरपुरी सर्व अंगे आपने श्री हस्ते ले पिले न दिव्य गंधे, फिर ईश्वरपुरी को बिठाकर अपने हाथों से उनके पूरे शरीर में दिव्य चंदन का लेप लगाया, अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं गुरु की, क्या गुरु की सेवा कर रहे हैं। जत प्रीति ईश्वरे ईश्वर पुरी रे कहाँ बरणी बारे को न जन शक्ति धारे। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो प्रीति ईश्वर को ईश्वर पुरी के प्रति आज दिख रहा है, उसका वर्णन करने की शक्ति किसके अंदर है, कितना प्रेम है, कितना भाव आज प्रभु प्रकट कर रहे हैं ईश्वर पुरी के प्रति भगवान, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देखी ले न ईश्वर पूरी जन्म स्थान। कितना प्रेम करते हैं ईश्वरपुरी से, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ईश्वरपुरी से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं ईश्वरपुरी के जन्म स्थान पे गए महाप्रभु उनके जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए,
गुरु के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए गुरु के प्रति निष्ठा, अपने आचरण से महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के प्रति क्या भावना होनी चाहिए। अभिनंदन दास ठाकुर उसको लिख रहे हैं विशेष रूप से कि महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान पर गए, कहाँ है कुमारहट, कहाँ है कुमारहट, कहाँ है ईश्वरपुर के जन्म स्थान, कहाँ है कुमारहट, हलीसहार स्टेशन, हलीसहार स्टेशन रेलवे स्टेशन पे उतरिए और वहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुमारहट गांव है, EBR लाइन पे, भक्तिचरण ठाकुर जी एड्रेस बता रहे हैं, है ना, EBR लाइन पकड़िए और उस पे हलीसहार स्टेशन, है ना, उतर जाइए और वहाँ से 3 किलोमीटर किसी से भी पूछिए कुमारहट 3 किलोमीटर है, वहाँ पर उस स्थान की पूजा जो है वो कौन कर रहे थे, सखी भेकीवाद संप्रदाय के लोग ने इंचार्ज संभाल लिया था, इसलिए सावधान भी रहिएगा, है ना, वो लोग अप संप्रदाय अनऑथराइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप अप्लाई करते हैं वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे स्वयं कुमार हट गए, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ जाकर क्या भाव प्रकट किए, गुरु के जन्म स्थान, गुरु का महिमा महाप्रभु ने स्वयं अपने आचरण से स्थापित किया कि गुरु के प्रति शिष्य का क्या प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, साधारण नहीं, अपराध है ये, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना क्या है, अपराध है, टू कंसीडर द स्पिरिचुअल मास्टर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड टू डिसोबे हिम, दिस इज वन ऑफ द ऑफेंस, इसी के कारण मंत्र अपने आप को प्रकट नहीं करता है, अपराधों के कारण, अपराधों के कारण, सारे अपराधों में जो सबसे डेंजरस अपराध कौन है, यही गुरु, गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा, वैष्णव अपराध से भी डेंजरस है, वैष्णव अपराध से भी डेंजरस है गुरु अवज्ञा, क्योंकि वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, गुरु, है ना, गुरु, तो वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं, तो वहाँ पे जब गए, इसलिए अपराध की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए, है ना, हम लोग निगेटिव चर्चा करते हैं ना, तो प्रेम कितना, प्रेम है गुरु के प्रति कितना प्रेम, प्रभु बोले कुमार हटेर नमस्कार श्री ईश्वर पुरी रजे ग्रामे अवतार, जब महाप्रभु कुमार हट गए तो वहां पर जाकर बोले कि मैं उस कुमार हट को नमस्कार करता हूँ, मैं उस कुमार हट गांव को नमस्कार करता हूँ जहाँ पर ईश्वरपुरी मेरे गुरुदेव जिस गांव में अवतार लिए प्रकट हुए उस गांव को मैं नमस्कार करता हूँ, और ऐसा बोलकर महाप्रभु रोने लगे, कांदिले न बिस्तर चैतन्य से स्थाने आर शब्द किछु नाही ईश्वर पूरी बीने, और ऐसा सोचकर कहते हुए रोने लगे लौटने लगे जमीन पर धूल में, और कुछ शब्द नहीं निकल रहा मुंह से, केवल आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, ईश्वरपुरी 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 बोल कर क्यों, और कुछ शब्द निकल ही नहीं रहा है, ईश्वरपुरी और आंखों से अश्रु और लौट रहे हैं धूल में, से स्थाने रमृति का आपने प्रभु तुली लैले न बहिरवा से बांधी एक झोली, उसके बाद महाप्रभु कुमार हट के गुरु के जन्म स्थान के ऊपर बैठ गए और वहाँ पर अपने जो अंग वस्त्र है उत्तरी इसी को झोली की तरफ बांध कर है, इसको झोली की तरफ बांधा जा सकता है ना, और उसी में वहाँ की धूली जो है धूली उठाकर जन्मस्थान की धूली उसमें अपने
गमछे में बांध लिए और बांध कर और लेकर चले, बोले ये लेकर जाऊंगा साथ में रखूंगा। प्रभु बोले ईश्वर पुरी राजन्म स्थान ए मृतिकाया मार जीवन धन प्राण। बोले ईश्वरपुरी का यह जन्म स्थान का जो ये मिट्टी है ये मेरा जीवन है, यही मेरा धन है, यही मेरा प्राण है। हे न ईश्वरेर प्रीति ईश्वर पुरी रे भक्त रे बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। भगवान ने जो ईश्वरपुरी के प्रति क्या प्रीति का प्रदर्शन किया, क्या प्रीति प्रकट कर रहे हैं ईश्वरपुरी के प्रति, यही भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों की महिमा को कितना बढ़ाते हैं, किस प्रकार से बढ़ाते हैं, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। प्रभु बोले गया करी तेजे आइलान सत्य हैला ईश्वर पुरी रे देखिलाम। मैं तो गया आया था पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए, लेकिन अब जबकि मुझे ईश्वरपुरी का दर्शन हो गया इसलिए मेरा गया यात्रा सफल हो गया, मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी जर्नी सफल हो गई, पितरों का तो उद्धार हो ही गया, मेरी भी जर्नी सफल हो गई। आर दीन निभृते ईश्वर पुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिले न मधुर बचाने। तो किसी दिन इस तरह से समय बीता, कुछ दिन रहे वहाँ, एक दिन एकांत में बैठे थे ईश्वरपुरी के पास, तो मन में इच्छा आई महाप्रभु की कि इनसे दीक्षा लूँ मैं, क्या इनसे दीक्षा लेने का इच्छा, दीक्षा का इच्छा आया। फिर मधुर वचन बोले ईश्वरपुरी जी से, क्या बोलते हैं सुनिए। पुरी बोले मंत्रवा बलिया को न कथा प्राण आमी दीते पारी तुमार सर्वथा। बोले कि हे ठाकुर मुझे अपना, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी बोले मंत्र क्या बात करते हो, तुम्हारे लिए मंत्र क्या देने की बात है, तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण तक दे सकता हूँ, ऐसे बोले। मंत्र की क्या बात करते हो निमाई, तुम्हारे लिए तो मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। तबे तान स्थान शिक्षा गुरु नारायण करिले न दशाक्षर मंत्रे ग्रहण। दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया, साक्षात नारायण है, सारी सृष्टि के शिक्षा गुरु हैं नारायण, सारी सृष्टि के गुरु, और वो क्या कर रहे हैं दशाक्षर मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दशाक्षर मंत्र जानते हैं कौन सा है। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पुरी रे प्रभु बोले देह आमी दिला न तुमारे। दीक्षा मिल गया, इच्छा और दशाक्षर मंत्र मिल गया, अब प्रभु ने क्या किया ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करने के बाद बोले हे प्रभु आज से मेरा शरीर मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये मेरा शरीर है आज से किसका है आपका है, आपको समर्पण कर रहा हूँ, देह आमी दिलान तुम्हारे, आपको दे दिया मैंने अपने देह आज से। हे न शुभ दृष्टि तुमी करह हमारे, हे नामी
भासी कृष्ण प्रेमेर सागरे। ठाकुर ऐसा शुभ दृष्टि कर दीजिए आप मेरे ऊपर कि मैं कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाऊं, ऐसा कृपा शुभ दृष्टि कर दीजिए। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री स्वर पूरी प्रभुरे दिले न आलिंगन भक्ष धरी। प्रभु के ऐसे वाक्य को सुनकर ईश्वरपुरी आनंद में आ गए और आलिंगन कर अपने वक्षस्थल में पकड़ लिए, आलिंगन कर लिए उनको। दोहार नयन जाले दोहार शरीर सिंचित हैला प्रेमे के नाही स्थिर हे नमते ईश्वर पूरी रे कृपा करी कत दिन गयाय रहिल गौर हरी। दोनों के नेत्रों से जल इस प्रकार से गिर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, उनके नेत्र जल से वो भींग गए, उनके नेत्र से वो दोनों भींग गए, सिंचित हो गए और दोनों के मन स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, बड़े मन जो है बड़ा व्याकुल है। इस प्रकार से प्रभु श्री गौरांग ने ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा किया और कुछ दिन तक गयापुरी में निवास किए। आत्म प्रकाशेर आशी हैला समय दिने दिने बाढ़े प्रेम भक्ति विजय। समझ गए कि अब आत्म प्रकाश करने का समय आ गया है और दिन 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 पर दिन प्रेम बढ़ता जा रहा है हृदय में, भक्ति बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है हृदय में दिन पर दिन। एक दिन महाप्रभु बसिया निवृते निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करीते। दशाक्षर गोपाल मंत्र दिया था तो उसका ध्यान करने लगे। एक दिन अकेले बैठ एकदम गायत्री गायत्री करते ना ध्यान करने लगे, एकदम अकेले बैठ के ध्यान कर रहे। सुनेगा बड़ा आश्चर्यजनक लीला है, ये अद्भुत लीला है, बहुत कम लोग सुने हैं इस लीला को। अब क्या हुआ ध्यान करने में, क्या हुआ? ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया करीते लगिला प्रभु रोदन डाकिया। अब ध्यान के आनंद में इतने डूब गए थे कि जब बाह्य चेतना में जब आए, बाह्य चेतना में जब आए, जब बाह्य एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस रिटर्न हुआ तो आंखों से अश्रु गिरने लगे और जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कह के रोने लगे। कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि कोन दिके गेला मोर प्राण करी चूरी कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि कोन दिके गेला मोर प्राण करी चूरी कोन दिके गेला मोर प्राण करी चूरी। हे कृष्ण, हे मेरे बाप, हे मेरे जीवन प्राण श्री हरि, मेरा प्राण को चुरा कर आप कहाँ चले गए? मेरा हृदय आपने चुरा लिया और चुरा कर कहाँ चले गए आप? पाइनु ईश्वर मोर कोन की के गेला लोक पढ़ी प्रभु कांदीते लगिला। श्लोक पढ़ने लगे महाप्रभु। क्या पढ़ रहे हैं? श्लोक पढ़ रहे हैं। कौन श्लोक पढ़ रहे हैं?
श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद के तीसवें अध्याय का पांचवा श्लोक। दृष्टो वह कचिदस्व पलक्षन क्रोधनो मन नंद सुनु गतो हृत्वा प्रेमे हासावलोकनै। गोपियां कह रही हैं, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, क्या कहती हैं? अश्वत्थ ट्री, अश्वत्थ के वृक्ष से पूछ रही हैं गोपियां, पलक्ष से पूछ रही हैं, न्यक्रोध के वृक्ष से पूछ रही हैं कि तुमने कृष्ण को देखा है क्या? नंद महाराज के पुत्र मेरे मन को चुरा कर अपने सुंदर मुखारविंद और प्रेम पूरित हास्य भाव भंगिमा और कटाक्ष से हमारे हृदय को चुरा कर और कहाँ चले गए हमें छोड़कर। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं ये श्लोक और दूसरा श्लोक। और प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृह कुहक नो मन क्षोभयन्ति। हे कृष्ण, आपकी स्माइल, आपका स्वीट लविंग ग्लांस, आपका इंटीमेट पास टाइम्स लीलाएं, आपके कॉन्फिडेंशियल टॉक्स, ये सब आपके साथ रहते हुए हमने बड़े आनंद उठाए। उन सब पर ध्यान लगाने से ही व्यक्ति का मंगल होता है, हो जाता है। जब भी हमने ध्यान लगाया, आपकी इन लीलाओं ने हमारे हृदय को स्पर्श कर लिया। जब भी ध्यान करते हैं हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, पर साथ ही साथ मन व्याकुल भी हो जाता है। आनंद भी होता है और साथ ही साथ व्याकुल भी हो जाता है मन। कई सारे श्लोक भक्तिचरण ठाकुर जी यहाँ पे अड़तीस श्लोकों का यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं जो महाप्रभु इस विरह में गा रहे हैं भागवत के दसम स्कंद के तीसवें अध्याय के पांचवें से बारहवां श्लोक। नोट कर लीजिए, पढ़ सकते हैं आप लोग। दसम स्कंद के इकतीस अध्याय के दस से इकतीस नंबर श्लोक और दसम स्कंद के सैतालीसवें अध्याय के बारह से इक्कीस नंबर श्लोक। मैं तो अभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि है ना, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, बाद में रेफरेंस दे दिया है ना, पढ़ना चाहिए। पाइनु ईश्वर मोर को न की के गेला श्लोक पढ़ी प्रभु कांदीते लगीला हो। रोने लगे श्लोक पढ़ पढ़ के कि मेरे प्रभु कृष्ण कहाँ चले गए, मेरे प्राण नाथ कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर, मेरे हृदय को चुरा कर कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। प्रेम भक्ति रसे मग्न ईश्वर सकल श्रीअंग हैल धुलाए धूसर आर्तनाद करी प्रभु डाके ऊचे स्वरे कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहारे। प्रेम भक्ति के रस में मग्न हो गए हैं, ईश्वर भगवान हैं लेकिन प्रेम भक्ति के रस में मग्न हो गए।
लौट रहे हैं, सारा शरीर धूल धूसरित हो गया लौटने से। आर्तनाद करी प्रभु, आर्तनाद, जोर जोर से रो रहे हैं, आर्तनाद है ना, बिलख बिलख कर रो रहे हैं बिलख कर रो रहे हैं एकदम जोर जोर से। आर्तनाद, आर्तनाद जानते हैं, जैसे ना कोई बहुत प्रिय व्यक्ति, प्राण प्रिय व्यक्ति अगर दूर हो जाए, बड़े उच्च जोर जोर से रो रहे थे, नहीं डाको डाको मतलब चिल्लाना, उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। कहते हैं कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मुहारे, हे मेरे बाप, हे कृष्ण, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम। जे प्रभु आछिलायति परम गंभीर, से प्रभु हरिला प्रेमे परम स्थिर। ये प्रभु वही हैं जो पहले इतने गंभीर रहा करते थे और आज उसी अनुपात में अस्थिर हो गए हैं। जो पहले जितना गंभीर थे उसी अनुपात में अब क्या हो गए हैं, अस्थिर। अस्थिर मतलब चंचल व्याकुल हो गए हैं, व्याकुल। गड़ा गड़ी जाए न कांदे न उच्च स्वरे, भासिले न निज भक्ति विरह सागरे। गड़ागड़ी जाए ना, लौट रहे हैं जो धरती पर, गड़ागड़ी मतलब धूल में लौटना, लौट रहे हैं, बड़े उच्च स्वर में रो रहे हैं, अपने ही प्रेम भक्ति के विरह रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, हैं? स्व भक्ति, अपनी ही भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति के विरह, प्रेम भक्ति में जो विरह होता है उस विरह समुद्र में स्वयं डूब रहे हैं, अपनी ही भक्ति के विरह समुद्र में डूब रहे हैं। उसी समय का आश्चर्यजनक देखिए क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। तबे कत क्षण आसी सर्वशिष गणे, सुस्थ करिले न आसी अशेष जतने। उसी समय शिष्य लोग आ गए, जो पाँच छः शिष्य लेकर गए थे वो सब आ गए, वो सब सोचे कि क्या हो गया इनको सब दिमाग लगा रहे कैसे इनको ठीक सुस्वस्थ कैसे किया जाए, स्वस्थ करना हमें इनको, मतलब कुछ बीमारी लग रहा है, हो गया है स्वस्थ करना, ना प्रकार के अशेष यत्न कर रहे हैं। प्रभु बोले तुम्हारा सकले जाह घरे, मुई आर ना जाई मु संसार भीतरे। प्रभु बोले, हाथ जोड़कर बोले, आप लोग अब, आप लोग घर जाओ, अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, अब संसार के भीतर नहीं जाऊंगा, अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ घर जाओ। मथुरा देखिते मुई चली मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाए जथा। अब मैं यहाँ से मथुरा जाऊँगा सीधे, नवदीप नहीं, कहाँ, अब मथुरा जाऊँगा, वहीं रहूँगा जाके, मेरे प्राणनाथ जहाँ रहते हैं कृष्णचंद्र, मेरे प्राणनाथ कृष्णचंद्र जहाँ रहते हैं मैं वहीं रहूँगा, वहीं जाऊँगा, अब आप लोग जाइए। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, सिर करी राखी लेना सबाई मिलिया। वर्णना प्रकार के उपाय कर रहे हैं, शिष्य लोग समझा रहे हैं, स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं,
समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, आप चलो सची माता क्या सोचेंगी, विष्णु प्रिया जी क्या सोचेंगी, अभी विवाह हुआ है तुम्हारा आपका, माँ का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, सोचो जरा, आप सोचिए, ऐसे मत हड़बड़ी में डिसीजन लीजिए। भक्ति रसे मग्न है वैकुंठे रापति, चिते स्वास्थ्य न पाए न रही भे न गति। इतने भक्ति रस में इतने एब्जर्व हो गए थे, इतने मग्न हो गए हैं कि उनका हृदय जो है वो बड़ा व्याकुल हो गया है, और कोई हृदय में थोड़ा भी शांति नहीं है। कहा रे ना बली प्रभु कत रात्रि से मथुरा के चली लेना प्रेमे रावे से। एक दिन रात्रि में किसी को कुछ नहीं बताए और वहाँ से निकल पड़े, अकेले अकेले निकल पड़े मथुरा के लिए। मथुरा जा रहे हैं, रास्ते में प्रेम में आवेशित हैं और मथुरा की तरफ जा रहे हैं। कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मु को थाए, एई मत बलिया जाए न गौर राय। कृष्ण रे बाप रे, हे मेरे बाप कृष्ण, कहाँ प्राप्त करूँगा मैं आपको। इस प्रकार बोलते हुए गौर राय निकलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं मथुरा की तरफ, मथुरा की तरफ, मथुरा जाएंगे आज, दम लेंगे, जाके ही मानेंगे। कत दूर जाइते सुने न दिव्य वाणी, एखने मथुरा ना जाइब दीजमानी। थोड़ा दूर आगे निकल गए तो अचानक आकाशवाणी हुई, क्या हुई, आकाशवाणी हुई कि हे द्विजमणि, अभी मथुरा जाने का समय नहीं है आपका, याद दिला रहे हैं, याद दिलाया जा रहा है उनको, अभी नहीं, अभी नहीं, लीला के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार अभी मथुरा जाने का टाइम नहीं है। लीला शेड्यूल जाइबार काल आछे जाइबा तखने, नवद्वीपे निज गृहे चल अखने। आप जाइएगा मथुरा जब आपका प्रॉपर टाइम आ जाएगा, अभी टाइम नहीं आया है, अभी आप वापस लौट जाइए अपने घर नवद्वीप जाइए, हैं ऐसे आकाशवाणी हुई। तुमी श्री वैकुंठनाथ लोक निस्तारीते अवतीर्ण हैया छ सवार सहिते। आप वैकुंठ के नाथ हैं, याद दिला रहे हैं, वही आकाशवाणी याद दिला रही है कि आप वैकुंठ नाथ हैं, याद कीजिए, ऐसे याद दिला रहे हैं कि आप वैकुंठ नाथ। अच्छा, ओ तो क्या हुआ, बोले आप याद कीजिए, आप किस लिए आए हैं, आप अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए हो संसार का उद्धार करने के लिए, वृंदावन के जाके भजन नहीं करना है, कुछ और भी करना है बीच में, आप समझ रहे बात को। अनंत ब्रह्मांडमय करिया कीर्तन जगतेर बिलाईबा प्रेम भक्ति धन। बोले आप वापस जाइए, अभी आपका काम क्या है, अभी बहुत प्रचार करना है। कृष्ण प्रेम भक्ति रूपी धन को बांटना है अभी आपको, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उस प्रेम रस में डुबाना है। ब्रह्मा शिव सन कादि जे रसे बिहवल महाप्रभु अनागाए न जे मंगल,
कहा तुम्ही जग तेरा दीवार कारणे अवतीर्ण हैयाछ जान आपने। ओ प्रेम वो प्रेम जिसको पाकर ब्रह्मा शिव सनकादि अनंत शेष हैं सब भाव विवल हो जाते हैं, वही प्रेम आप पूरी पृथ्वी में वितरण करेंगे। और ये बात आपको पता है, आपके क्यों भूल रहे हैं आप, इसलिए ये आपका मिशन है। सेवक आमार तब चाही कही बारे अतएव कही लान चरण तुम्हारे। दूसरे भाव में मत लीजिएगा, हम आपके सेवक हैं, हमारा ड्यूटी था आपको याद दिलाना, ऐसे बोल रहे हैं देवता लोग, बोल रहे हैं ना देवता लोग ऊपर से बोल रहे हैं, हमारी ड्यूटी है आपको याद दिलाना, आपने बोला था कि याद दिला देना अगर गड़बड़ हुआ तो, है ना, इसलिए हम याद दिला रहे हैं। हैं अपना र विधाता अपने तुमी प्रभु तुम्हार इच्छा से लंघन नहीं कभू अतएव महाप्रभु चल तुमी घर विलंबे देखिब आसी मथुरा नगर। बोले आपको याद दिला रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि आप हमारी ड्यूटी आपने लगाई थी, बीच में अगर मैं इधर उधर भटकूं तो याद दिला देना, बाकी आप विधाता हैं स्वयं, आप ही प्रभु हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप कीजिए, से लंघन नहीं प्रभु कभू, आप जो आज्ञा देंगे हम तो वैसे ही करेंगे, पर आपको याद दिला रहे हैं इसलिए हे महाप्रभु आप घर चले जाइए, अब बाद में थोड़ा समय के बाद आप मथुरा आ जाइएगा। सुनिया आकाशवाणी श्री गौर सुंदर निवर्त हिला प्रभु हरि संतर वासाय आसिया सर्व शिशेर सहिते निज गृह चलिले न भक्ति प्रकाशित। सुनकर आकाशवाणी सुनकर वापस आ गए, यात्रा स्टॉप कर दिए और आकर अपने शिष्यों के साथ मिलकर नवद्वीप के लिए प्रस्थान किए। नवद्वीपे गौरा चंद्र करिला विजय दीने दीने बाढ़े प्रेम भक्ति उदय खंड कथा परिपूर्ण यही है ते मध्य खंड कथा ये सुना भगवते। इस प्रकार से नवद्वीप वापस आ गए गौरचंद्र और प्रेम भक्ति दिन पर दिन बढ़ने लगा। आदि खंड की कथा हे भक्तों यहीं पर परिपूर्ण होती है और अब मध्य खंड की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। जे बासुने ईश्वरेर गया र विजय गौरचंद्र प्रभु तारे मिली हृदय। जो भी व्यक्ति इस महाप्रभु की गया यात्रा का वर्णन सुनेंगे भगवान श्री गौरचंद्र अवश्य उनके हृदय में अधिष्ठान होंगे। कृष्ण जस सुनीते से कृष्ण संग पाए ईश्वरे र संगे तार प्रभु त्याग नाए। जो भी ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति श्रवण करता है भगवान कृष्ण के गुणगान को, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के गुणगान को सुनता है वो कभी कृष्ण से अलग नहीं है, ही इज विद कृष्ण। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके चैतन्य चरित्र की छू लिखित पुस्तके
अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने मुझे ये आग्रह किया था मजाक में ही कि तुम चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को पुस्तक के रूप में लिखना। ताहार कृपायली की चैतन्य रकथा स्वतंत्र हैते सकी नहीं कसर्वता। उन्हीं कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को लिख रहा हूँ। अगर देखा जाए तो स्वतंत्र मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन सब लीलाओं का वर्णन कर सकूं। काष्ठेरा पुतली जेन कुह के ना चाए हे मात गौर चंद्र मोरे जे बुलाए। इस प्रकार से कोई व्यक्ति काष्ठ की पुतली को नचाता है, कठपुतली को, उसी प्रकार से श्री गौरचंद्र जिस प्रकार से मुझे नचा रहे हैं, मुझसे कुछ बुलवा रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, वही मैं लिख रहा हूँ। चैतन्य कथा र आदि अंत नाही जानी जेते मते चैतन्य र यश से बखानी। चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का न तो आदि है न अंत है, फिर भी मैं उनको गुणगान करने का, उनका बखान करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उसी तरह से है जैसे कि पक्षी जे न आकाशेर अंत नाही पाए जत दूर शक्ति तत दूर उड़ जाए। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ता है, आकाश का कोई अंत नहीं है, अब उसकी कैपेसिटी पे कि वो कितना दूर तक उड़ सकता है, आकाश का कोई अंत नहीं है, जितना उड़ना चाहिए उड़ी। उसी तरह से कृष्ण की कथा है चैतन्य महाप्रभु की है, ए माता चैतन्य जसे रंत नाई जारे जत शक्ति कृपा सभे तत गाए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के यश का कोई अंत नहीं है, जितना कृपा जितनी शक्ति उनको प्राप्त होती है व्यक्ति को, उतना ही चैतन्य महाप्रभु के वो गुणों का बखान कर पाता है। नभः पतन्ति आत्मा समम पत त्रिणास तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार इथे अपराध किछु नाहु कामार। मैं सारे वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर देना। वर्णन करने के दौरान गिंदानंदस ठाकुर जी लिख रहे हैं, संसारे र पार हैया भक्ति र सागरे जे डूबी बे से भजु के निताई चंदेर। कोई व्यक्ति अगर संसार के पार जाना चाहता है भव सागर के, और भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो उसको भजन करना चाहिए श्री निताई चांद के चरण कमलों का। अमार प्रभु प्रभु हमारे अमार प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर, मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौर सुंदर हैं, ये बड़ भरोसा चीते धरी निरंतर। और इसीलिए इसी पर भरोसा है कि हैं मेरे चित्त में निरंतर इसी भरोसे पे मैं चल रहा हूँ। केह बोले प्रभु नित्यानंद बलराम केह बोले चैतन्य महाप्रिय धाम। कुछ लोग बोलते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम हैं, और कुछ बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके प्रिय धाम हैं। केह बोले महातेजी आन अधिकारी केह बोले कोन रूप बुझाई तेना पारी। कुछ लोग बोलते हैं महातेजस्वी अधिकारी हैं, कोई बोलता है कि इनके रूप को समझना बहुत मुश्किल है ना? किबा जति नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी जार जेन मत इच्छा ना बोले के नी। क्या नित्यानंद प्रभु के बारे में बताऊं, किबा भक्त किबा ज्ञानी। कोई बोलता है कि भक्त हैं, कोई बोलता है ज्ञानी हैं, जिसकी जो इच्छा है वो बताता है। कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु भक्त हैं, कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु ज्ञानी हैं। जैसे केने चैतन्य र नित्यानंद नाही से चरण धन मोर रहूं को हृदय। जो भी हैं नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु, जो भी चाहे भक्त हों या ज्ञानी हों, जो भी हों, मैं उन दोनों के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। एत परिहारे वो जे पापी निंदा करे हैं, उनको छोड़कर इन बातों को न समझकर अगर कोई पापी उनकी निंदा करता है, तबे लाती मारूँ तार सिरे ऊपर है, तो उसको एक लात मारूँगा उसके सिर के ऊपर अगर वो निंदा किया तो हैं।
अगर समझता नहीं है और निंदा करता है तो एक लात मारूंगा। कितना? एक लात भी ज्यादा भी मार सकते हैं, है ना। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन तुम्हारा चरण मोर औका शरण तुम्हार हैया जेन गौर चंद्र गान जन्मे जन्मे जेन तुम्हार समहति बेरान। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जिनके प्राण और जीवन है श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ और आपके सेवक के नाते मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों का बखान कर सकूँ और आपके चरणों का संग कर सकूँ जन्म जन्मांतर। जिसु नए आदि खंड चैतन्य रखा तहारे श्री गौर चंद्र मिलिबे सर्वथा। जो भी व्यक्ति आदि खंड की इस चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनेगा उसको श्री गौर चंद्र महाप्रभु अवश्य मिलेंगे। ईश्वर पुरी स्थाने भैया विद्या गृह आइले न प्रभु श्री गौरांगराय सुनि सर्व नवद्वीप फैला आनंदित प्राण आशी देह जेन फैलऊपनीत। इस प्रकार से ईश्वरपुरी के स्थान से वापस आ गए, अपने घर आ गए हैं, और इसको सुनकर सब लोग नवद्वीप में बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए वृंदावन दास उनके चरण कमलों में गुणगान करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस वजह से आदि खंड की कथा सुर आज हमने परिपूर्ण किया और मध्य खंड जो है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो आज 17वां अध्याय समापन हुआ आदि खंड का। कल मध्य खंड का प्रथम अध्याय होगा और कृष्ण संकीर्तन का प्रारंभ होगा कल। मोमेंट शुरू हुआ कल कृष्ण संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन जिसका इंतजार था आप लोगों को। प्रेम नाम संकीर्तन का बहुत भक्त लोग तो दुख पा रहे थे, इंतजार कर रहे थे आप लोग विद्या विलास लीला कब आगे बढ़ेगी, जल्दी से प्रेम नाम संकीर्तन शुरू होगा। तो अब समय आ गया है। हरे कृष्णा।